ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। अथ नमः सभायै। अस्याः श्रावण पूर्णिमायाः रक्षाबन्धनस्य संस्कृतदिवसस्य च मंगलावसरे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रेष्ठेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः सहपाठकेभ्यः श्रोतृगणेभ्यश्च अस्माकं संस्कृतोत्सव 2021 इति शुभ अवसरे हार्दिकस्वागतं व्याहरामः। संस्कृतस्य भारतस्य च महान् विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। यथा फ्रांस देशस्य प्रत्येक शिशु फ्रेंच भाषां जानीयात् तथैव श्रीमातुः महान् आग्रह आसीत् यत् भारतस्य प्रत्येकः शिशु अपि संस्कृतं जानीयात्, न तु पण्डितस्य संस्कृतं किन्तु सहज सरल संस्कृतं, न तु सरलीकृतं संस्कृतम् अपि। अतः तस्मिन् प्रयत्ने अहं यदा मम पठनं कृतवती, मम शोधकार्यं च कृतवती, सर्वदा सा चेष्टा आसीत् यत् कथं वयं संस्कृतस्य प्रचारं कर्तुं शक्नुमः, यतः जनाः सुलभतया भाषायाः स्वादम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति इति। अद्य अस्मिन् शुभावसरे संस्कृतोत्सवमाध्यमेन अस्माकम् एकः प्रयत्नः भविष्यति यत् वयं संस्कृतस्य प्राणप्रतिष्ठां कुर्म अस्यां भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थायां, यत्र छात्राः प्राध्यापकाश्च अतीव बुद्धिमन्तः ज्ञानवन्तः सन्ति, तेषां संस्कृतस्य आस्वादने, संस्कृतस्य पठने, संस्कृतस्य ज्ञानवर्धापने च सहयोगं भवतु इति मनीषया एषः कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये अधिकं ज्ञातुं संस्कृतस्य महत्त्वं योगदानं भवति। अतः संस्कृतं ज्ञात्वा किं किं वयं ज्ञातुं शक्नुमः इति मनसि निधाय एतस्मिन् कार्यक्रमे, संस्कृतोत्सवे, सप्ताहस्य प्रत्येकस्मिन् दिने भिन्नभिन्न तत्र भाषणानि अस्माभिः आयोजितानि वर्तन्ते। एतदुक्त्वा अहम् इदानीं साग्निका भगिनीं, श्रीमती साग्निका चक्रवर्ती भगिनीम् आमन्त्रयामि सरस्वतीवन्दनां कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कर्तुं। धन्यवादः। Good afternoon all. Today I'll be presenting Saraswati Vandana. So here I start. Jaya Jaya Bhagavati Sura Bharati Tava Charano जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणो प्रणम नाद ब्रह्मायि जय बागेश्वरी नाद ब्रह्मायि जय बागेश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवति सुरभारति तव चरणो प्रणमामः त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या तमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वन्दित चरणा
नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भररा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमा। आसीना भव मानस हंसे, आसीना भव मानस हंसे, कुंदतु हि न शशि धवले। हर जरतं कुरु बोधि विकासं, हर जरतं कुरु बोधि विकासं, सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। थैंक यू। बहु धन्यवादः साग्निका। नाउ वी वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर वेंकटाय आर देसाई जी, हु इज द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आईआईटी खड़गपुर एंड आल्सो द जिला अध्यक्ष ऑफ द पश्चिम मेदिनीपुर ब्रांच ऑफ संस्कृत भारती, to deliver the welcome address. Professor Desai has always been instrumental in inspiring us as far as the activities related to Sanskrit and the Indian knowledge systems are concerned. Desai sir, please. Yeah, dhanyavad Professor Anvai. So sarvesham adya sanskrutotsava अस्य उद्घाटना सत्रे सर्वेषां स्वागतं सुस्वागतं। तो विशेषतः अहम् अद्य प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे अस्माकं विशेष अतिथि, तो मैं उनसे दो साल जूनियर रहा स्कूल में, कॉलेज में एवं प्लस टू में और इंजीनियरिंग इसमें बीवीबी इंजीनियरिंग कॉलेज हुगली, अब जो केली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं हमेशा उनके दो साल जो कनिष्ठ रहा हूँ। तो इसलिए मेरे बड़े भैया जैसे बाद में मैं एमटेक करते समय भी उन्होंने बहुत कुछ है अच्छे मेरे मित्र है, मेरे बड़े भैया है, उनके लिए मेरा स्वागत है। बाद में हम एक साथ AICTE के दो बोर्ड में भी काम किया, तो मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी हमारे निदेशक महोदय और तो वो हमारे मुख्य अतिथि है इस कार्यक्रम के लिए। वैसे हमारे होस्ट वही है, पैटर्न मतलब पोषक इस ये सब कार्य के लिए, तो उनको भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी, तो कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति, अधुनाम नागपुर स्थित कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय से उपकुलपति, तो संस्कृत विषये बहु चर्चित बहु प्रसिद्ध बहु कार्य कृत नाम अस्ति। तो अस्माकं सौभाग्य अस्ति प्रोफेसर वरखेड़ी महोदय अद्य अस्माकं प्रमुख वक्ता अस्ति वक्तार अस्ति, तस्यापि अहं स्वागतं हार्दिक सुस्वागतं ददामि। तत्पश्चात् माननीय श्रीश देव पूजारी महोदय,
अस्माकं मुख्य आमन्त्रितः अद्य एवं संस्कृतभारती संघटनस्य अखिल भारतीय महामंत्री तो अनेक वर्ष झारखंड प्रांते सामाजिक कार्य कृतवान् अधुना अखिल भारतीय दायित्व अस्ति संस्कृत भारती तस्यापि अहम् हार्दिक स्वागतं ददामि। तत्पश्चात् मम सह अध्यापकगण प्रोफेसर जॉयसेन अध्यक्षः भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अस्य उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस इंडियन नॉलेज सिस्टम्स अस्माकं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड्गपुर मध्ये स्थित एवं एक उत्कृष्टता केंद्रस्य सलाहकार एवं गणितस्य प्राध्यापक प्रोफेसर सोमेश कुमार अस्माकं डीन इंफ्रास्ट्रक्चर संकायाध्यक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेसर खनिंद्र पाठक तो अन्य कार्यकर्तागण बंधु भगिनी सर्वेषां अहम् स्वागतं ददामि एवं संस्कृत उत्सवस्य ये कार्यक्रमे अहम् सर्वेषां यशस्वी भवतु इति आशा कृत्वा मम वाणीं विरामं ददामि। धन्यवाद। बहु धन्यवादः दिसै महोदयः। भवान् अत्र अस्माकं कैंपस मध्ये अस्माकं सर्वेषां बहु प्रेरकः सन्ति। संस्कृतभाषायां सर्वदा वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति सदैव बहु वर्षेभ्यः। यदा अहं 2005 मध्ये प्रथमम् आगता आसम् अत्र प्रोफेसर अनिल कुमार गौरीशेट्टी तेषां निमन्त्रणे, तदा आरभ्य भवतां तत्र उत्साह अस्माकं सत्यमेव प्रेरदायकं भवति, सदैव अस्माकं मार्गदर्शनं च करोति तत्। तर्हि बहु धन्यवादः। एकनिमिषः मिलति वा अहं किञ्चित् एक वदामि? कृपया वदतु। हमारे हाथ में पांच उंगलियां है। संस्कृत में हर एक के लिए नाम है, अंगुष्ठिका, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। ये पांच उंगली हमारे पांच भाषा के प्रतीक है। हम अगर हमारे दाहिने हस्त दक्षिण हस्त को हमारे हाथ में रखा तो पहले हम कनिष्ठिका से शुरू करेंगे। वो है हमारे मातृभाषा का प्रतीक है। और उसके बगल में जो अनामिका, ये जो है हमारा क्षेत्र भाषा का प्रतीक है। तो कभी कभी कुछ ये जो स्थानीय लोगों के लिए मातृभाषा क्षेत्र भाषा दोनों एक ही होते हैं। और तीसरा सर्व से जो सर्व से लंबा ये जो जो उंगली है मध्यमा, ये जो है हमारे देश बाहुल्य भाषा, वो हिंदी का प्रतीक है। और ये जो तर्जनी जो कहे जो है हमारे फोर फिंगर, जो आंग्ल भाषा में फोर फिंगर बोलते हैं, वो विश्व बाहुल्य भाषा आंग्ल भाषा का प्रतीक है। और ये जो सबसे महत्व का ये जो है हमारे अंगुष्ठिका, ये जो है हमारे प्र मातृभाषा, सभी मातृभाषाओं के माता संस्कृत का प्रतीक है। हम अंगुष्ठिका से हम जो है जो सभी इसके लिए अंगुष्ठिका का बहुत महत्व है, उसमें प्राण शक्ति भी अधिक है। इसलिए संस्कृत जो है संस्कृत में भाषा में बहुत तय जो है, इसलिए ये सभी भाषाओं को मातृभाषा, क्षेत्र भाषा, देश बाहुल्य भाषा, विश्व बाहुल्य भाषा एवं प्र मातृभाषा, तो ये पांच भाषाओं में हम संतुलन रखना चाहिए। कभी कभी स्थानीय लोगों के लिए मातृभाषा क्षेत्र भाषा एक ही होता है, तो और जो हिंदी भाषा है उनके लिए मातृभाषा एवं देश बाहुल्य भाषा एक ही होता है, जो आंग्ल भाषी है उनके लिए मातृभाषा विश्व बाहुल्य भाषा एक ही होता है, लेकिन सबसे महत्व है संस्कृत जो है जो प्र मातृभाषा, मातृभाषाओं के मातृभाषाओं की माता। तो इसलिए हम संस्कृत को महत्व देना चाहिए। इसी के कारण इसराइल में हिब्रू भाषा को पुनर्जीवन देने की वजह से मैंने कहीं पढ़ा कि हमारे 20 से 22 नोबेल पुरस्कार कुछ इजरायली नागरिकों को, इजरायली विज्ञानियों को या हिब्रू से संबंधित कुछ इसको को मिलता है। तो ये जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर, उनका भी वही इच्छा थी संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की, इसलिए हम उसके तरह से उस दिशा में हम सब जो आगे बढ़ेंगे,
यही करके मेरा वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। इदानीम् अहं प्रोफेसर जॉयसन महोदयस्य तु अल्पे अल्प शब्द ही परिचयं कृत्वा तान् वचनं व्याहरामि, तेभ्यः वचनं व्याहरामि। सो प्रोफेसर जॉयसन आङ्ग्लभाषायां कथयिष्यामि। प्रोफेसर जॉयसन इस् करेण्ट्लि द चेर्पर्सन् आफ् द सेण्टर् आफ् एक्सलेन्स् फार् इण्डियन् नालेज् सिस्टम्स्। हि इस् आल्सो द चेर्मन् आफ् द नेहरू म्यूसियम् फार् सैन्स् अण्ड् टेक्नालजि एण्ड् द को प्रोफेसर् इन् चार्ज् फार् द अकाडेमि आफ् क्लासिकल् एण्ड् फोक् आर्ट्स्, as well as the program officer fine arts for the national cultural appreciation courses, that's the NCA courses. Professor Joycean is originally from, he was a former head of the Department of Architecture and Regional Planning. Entrepreneurship. And I would like to just mention about Professor Joycean that he is recently also the recipient of the Professor G.S. Sanyal Faculty Excellence Award for the all-round performance at the institute. He is also headed the entire Sandhi project that was brought at the university at the institute. So with these, I had the great opportunity of meeting Professor Joycean over a chat at a strategic meet for Indian Knowledge Systems. So it's an absolute privilege to be hosting this program under the aegis of the Center of Excellence for Indian Knowledge Systems. And I request Professor Joycean to kindly share with us your vision for the center, as well as give us a little bit of a idea of the upcoming lectures for this Sanskritotsava. Over to you, Professor. Thank you so much, Anuradha, Dr. Anuradha Chaudhary. Today is the divine day of Raksha Bandhana. So we have our very near and dear sister, Anuradha. And I think her presence makes all the difference. Today is Bhadra Panchama. Today is Sravana Purnima. And today is the divine day when all the hearts are coming together, in the words of Gurudev Rabindranath Thakur. I mean, who wanted to make sure that humanity embraces humanity and all race become an expression of the one only divine. You know, Eka Sad Vipra Bahudha Vadanti. That is the motto of India. I just like to refer to a small seminal writing of Swami Vivekananda. So Swamiji, when he came back from the US, and this were his last days before he left his body, a great Mahajogeshwar, he wrote a small article called The Historical Evolution of India, Bharatbarshir Oitihashik Kromobikash. In that article, in the third paragraph, it's a very small paragraph, I'll just read out a few lines, and that holds the key to today's Sanskrit Mahotsav. I mean, my little feeling. He says that the race of India has a great analytical keenness, but he says, behind and before this analytical keenness, covering it in a velvet sheath, was the other great mental peculiarity of the Indian race, the poetic insight, Kabi Manishi Drishti. Its religion, Dharma Pratishtha, its philosophy, Darshan Shastra, its history, Aitihashik Krama Vikash, its ethics, Naya Shastra, its policy, politics, Raj Tantra, and its science, Vigyan Vistar, were all inlaid in a flower bed of poetic imagery, which is the miracle of a language which was called Sanskrit or Sanskrita, which means perfected. It has reached a level of perfection, lending itself to expressing and monitoring and manipulating them better than any other tongue in the world. And in that sense, Sanskrita or Sanskrit has become the mother of all language. And it really intrigued everyone from Max Muller to William C. Jones, from Pandit Dayananda Saraswati to Sri Aurobindo, and a whole galaxy of scholars from Professor A.L. Basham to Richard Lanoy, and many more in our own generation, where we have Dr. Anuradha Chaudhary and her galaxy of team. So this is a language which was there, it is there, and it shall be there. But it is only time that we have forgotten its greatness, because we are suppressed by an alien force, and everything was covered under the veil of imitation and going for something else, in whom we find all the greatness and forgetting our own tradition. Today we are in Yuga Sandikshana,
the Iron Age is almost coming to an end, and there is an Aquarian Age. The Krita Yuga, the Satya Yuga, is about to unfold. And this is the time which is marked by the revival of Sanskrit. And we are just talking to our respected director, Professor Virendra Kumar Tiwari Saab. And Professor Tiwari was kindly saying, Joy, just have a look that very recently, so many German universities are again reviving and regaining their interest in Sanskrit. Not only for an ancient language, which is the mother of all language systems, from French to Latin, from Greece to German, and from India to Slovenic or Tocharian or any other language, but it is also the most perfected language, because the combination of the vowels and the consonants, the 49 of them, which we call Unapanchashat Varna, they are also the matrikas of Tantra, the matrikas of Tantra, which are the letters inside our lotus of yoga and Tantra, right inside the human body. The same are also the consonants and the vowels of an expression. So the Sanskrit as a language is a representation of the microcosm, the pind, which is inside the human body, and the representation of the macrocosm, which is the universe outside. In other words, Sanskrit is the science of a language, in the words of Sri Aurobindo, that it collaborates and gets the microcosm, the Brahmand, and the microcosm, the pind, in a single pattern and a single form. And today, there are other experts. I am not an expert in this, but I am reading as a student. I feel more comfortable as a student rather than as a teacher. And I found out that in the recent times, the natural language processing through the programming, the coding, the various algorithms, which also comes from GA, genetic algorithm, the computers are most comfortable with Sanskrit as a leverage, as a media of communication. So coming quickly to the great opportunity, which has come to our institute, is the opening of a center of excellence on Indian knowledge systems. And this came as a blessing, as a ashirbad of Adda Shakti Ma. I mean, we have not got it. It has been given to us. It has been given to IIT Kharagpur. And now it is for us to make use, the maximum use of it. So in the Center of Excellence Indian Knowledge Systems, we have various domains: Ganita, which is mathematics, you know, Naya Shastra, which is ethics, Parivesh Vidya, which is ecological sciences, Vastu Vidya, Nirman Vidya, which is architectural and built environmental sciences, and the list goes on and on. But where is the source of all these domains of Indian knowledge system? Because for thousands and thousands of years, the entire parampara and the entire lineage of our scripts and scriptures and texts and shastras has been encoded in one single language. And the majority of that is coded in one language, which is Sanskrita, which is Sanskrit. So it is like a hub and spoke model, where all the domains of Indian knowledge system, whether it's Ganita, whether it's Vastu Shastra, whether it's Mahajagatik Vidya or Jyotisha, you know, cosmology and the astral sciences, but everything like a Ratha Chakra, all the Ara or the Shalakas, you know, the Brihadaranyaka Upanishad says that all the Shalakas and all the spokes are finally concentrated in the Nabhi, the nave of the will. Similarly, all the knowledge systems of the world are finally committed to that single center, which is expressed by the miracle of what Swami Vivekananda says, Sanskrit. So all the boys of the institute is moving around one Adya Shakti representation, which is Anuradha and her wonderful team. Because a day has come where we have to give the highest respect to the sacred feminine, the mother of the races. And Sanskrit itself is that. Swamiji says, the day we are able to respect the mother in the house, the wife in the house, and the sister in the house through our language system, from that day onwards, Bharat is going to resurrect, resurge, and emerge. And I think that day has come today. And under the great leadership of Professor Tiwari, you know, Professor Deshai, Professor Pathak, and many more, I can also see Dr. Harimohan Pillai here, who is one of our illustrious alumnus. I think a golden day is just reaching the shores of Bharat Varsha.
and we are just about to unfold a great future. So the blessing has already come. In the words of Sri Aurobindo, the descent of the supermind has already touched the earthly plane. But are we ready to receive it through our ascent and our aspiration? So the center of excellence of Indian knowledge system will be a center to forge and form up the aspiration. I'll just give you one example, and with that I'll end. It's a very happy news, and Sir Professor Tiwari is very excited about it, and we all know it. And Professor Deshai is a part of that course. Very recently, we have opened up a course on Sthapatya Vastu Nirman Vidya and Arthashastra, and 7 of us are teaching. And we are very worried that whether about 10 or 15 or 16 students will register in that course, and whether the course will be running. And Sir, this is to Professor Sahasrabuddhi, and he'll be so happy to know this. About 425 students have registered for this course. And if you go statistically, which is the domain of Professor Shomesh Kumar, we have almost 1 or 2 students, Sir, from each and every department of IIT Kharagpur. And even on the foundation day, after we had a wonderful ceremony in the morning and then we had a debate, I came back and I was helped by one of my colleagues, Dr. Aki Banerjee, and we had a foundation day class in the evening from 6:30. And I told them I'll finish it in 1 hour. Sir, the class went on till about 9 o'clock. And there were questions and answers and discussion. So this is an indication that India is on the rise, and the great sun of truth, which had traveled from the east to the west at a very ancient time and has gone around the world, in the words of Swami Vivekananda, the 3rd paper on Hinduism in Chicago, he says, "I can see that great star 1,000 more times effulgent than it was before in the last cycle is rising, and the India of the immediate future will be 1,000 times greater than what it was in the past." So these are the great predictions of the Kabi Manushis, Swami Vivekananda, Sri Aurobindo, Gurudev Rabindranath Thakur, Mahatma Gandhi, Sarvepalli Radhakrishnanji. There's a huge galaxy. Ishachandra Vishuddhar Shagarji, we just celebrated his name on the foundation day. So I think their blessings are with us. That is the most important thing. The rest is a little bit of sincerity and diligence with us. So today I see an expression of that diligence with Onnoy, with Anuradha and their wonderful team. And I feel sure, Sir, that day is just knocking on our door. Namaskar. Yes. Thank you very much, Jayasin sir, for giving this wonderful speech, which encapsulated a lot of things. And it's sort of, you know, philosophically connected the credo of Swamiji and the other galaxies of modern India. I mean the other stars in the galaxy of modern India to our Uber here. Now you'd like to welcome and invite Shri Shrishto Pujari ji, who is Akhil Bharatiya Mahamantri of Sanskrita Bharati. We'd request him to say a few words about Sanskrita Bharati. And as we know, our programs are getting the help and the support of Sanskrita Bharati. Last year also that happened, and this time also this is happening. So Pujari ji, please. Sir, you may kindly unmute yourself. Unmute. Kshamyadam. Vedikayam upasthitaha sarve manyavaraha jnanavruddhaha tapovruddhaha vayovruddhaha chhatraha bhratraha bhaginyascha. Sanskrit Bharati, ये एक सामाजिक संगठन है जो समाज के सभी वर्गों को संस्कृत सिखाने पर दृढ़ निश्चित है।
पाठयेम संस्कृतम जगति सर्व मानवान, ये हमारी घोषणा है। तो विश्व के सभी मानवों को हम संस्कृत सिखाएंगे, इसका अर्थ सुसंस्कृत करेंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा, संस्कार और संस्कृति, इसका अन्योन्याश्रित संबंध है। इस कारण संस्कृत पढ़ना, इसका अर्थ सुसंस्कृत होना। तो इसलिए पूरे मानव को, जाति को हम सुसंस्कृत करना चाहते हैं। अब ये लक्ष्य लेकर काम चल रहा है और इसीलिए इस काम में अधिक लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। ये सबका मिलकर काम है और इसीलिए जहां जहां चार लोग एकत्रित आते हैं वहां वहां हम संस्कृत पढ़ाना आरंभ करते हैं। ये हमारी अनौपचारिक शिक्षा पद्धति है। हमने कोई शिक्षा संस्थान नहीं खोला है, हम समाज में जाकर संस्कृत पढ़ाते हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि लाख कुछ हजारों ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो संस्कृत बोलना सीख गए हैं और निरंतर संस्कृत बोलते हैं। कई हजार संस्कृत के परिवार हो गए हैं, जिन परिवारों में संस्कृत में ही संभाषण होता है और इसका परिणाम उस परिवार में जन्मे नए बालक, इनकी मातृभाषा संस्कृत होती है। तीसरा, दुर्भाग्य से संस्कृत के अध्यापक संस्कृत माध्यम में नहीं पढ़ाते। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत अधिकतर लोगों की कह रहा हूं, और इसीलिए संस्कृत छात्रों को संस्कृत सुनने के लिए अवसर नहीं प्राप्त होता। तो हमारा ये लगातार प्रयास चलता है कि संस्कृत के शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाए और उनको संस्कृत माध्यम से पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसे कई हजार शिक्षक हमने अभी तक तैयार किए हैं। और चौथा, संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़े ताकि ये अधिक से अधिक लोग औपचारिक माध्यम से भी संस्कृत सीखें। और एक बात कि जो संस्कृत ग्राम हमने निर्माण किए हैं वो भी एक संपूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि सब ऐसा लगता था कि संस्कृत भाषा केवल विद्वानों की भाषा है, वो सामान्य लोगों की भाषा नहीं हो सकती। ये भ्रम को दूर करने के लिए हमने कर्नाटक में एक मत्तूर और मध्य प्रदेश में एक झीरी, दो ग्राम ऐसे विकसित किए हैं जिनको हम संस्कृत ग्राम कह सकते हैं, जहाँ के लोग आपस में सब व्यवहार संस्कृत में करते हैं। तो ये विद्वानों की भाषा तो पूर्व काल से रही ही है, किंतु ये सामान्य लोगों की भी भाषा हो सकती है। ये हमने सबके सामने रखने का प्रयास किया है। ये भाषा ज्ञान की भाषा है, ये भी सत्य है, किंतु ये आधुनिक भाषा भी है, ये भी हमने सिद्ध करने का प्रयास किया है। आधुनिक शास्त्र भी इस भाषा में पढ़ाए जा सकते हैं, ये भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए हमने छठी कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक एनसीईआरटी की सभी विषयों की पुस्तकों को संस्कृत में अनुदित किया है और उसको पढ़ाने के शिक्षक तैयार करने में जुटे हैं, ताकि बच्चों को संस्कृत माध्यम में पूरी सभी विषयों की शिक्षा प्राप्त हो सके और ये आधुनिक भाषा है ये सिद्ध हो सके। तो इस काम में संस्कृत भारती जुटी है। आप सबका भी आह्वान है कि आप चाहे किसी आयु के लोग हों, आप संस्कृत सीखना प्रारंभ करें। हिंदी में कहावत है कि जिस दिन सूर्य जगे उदित होगा उस दिन ही प्रभात होगी। तो जिस दिन हमको हमारी इच्छा हो जाएगी हमें संस्कृत पढ़ना है, उस दिन से ही सवेरे जागे तब सवेरा, ये कहावत है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप भी इसमें जुड़ जाइए और संस्कृत सीखना आरंभ करिए। अभी डॉक्टर सेन जी ने कहा था कि मैं विद्यार्थी रहना ही पसंद करूंगा, तो आपको भी आमंत्रण है। आप सब लोग यदि संस्कृत पढ़ेंगे तो जो जो विषय आप पढ़ाते हैं उस विषय के ग्रंथों का आप अवलोकन कर पाएंगे।
आप सभी के विषयों के ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध है और वो हमारे पूर्वजों ने लिखे हैं, किंतु हमको उसका बारे में पता नहीं है। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, किंतु मुझे इंजीनियरिंग पढ़ते समय ये पता नहीं था कि यंत्र सर्वस्व नाम का ग्रंथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ग्रंथ उपलब्ध है। मैं जब संस्कृत भारती में आया तब मुझे पता चला। तो ये दुर्भाग्य मेरा था, ऐसा दुर्भाग्य भारत की भावी पीढ़ी का न हो, इसलिए जो जो शास्त्र हम पढ़ा रहे हैं उस शास्त्र के भारतीय ग्रंथों को हम पढ़ सकें, उसका संदर्भ देकर हम पढ़ा सकें, ये स्थिति आने के लिए ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जो संस्कृत भाषा जानते हैं उनको विभिन्न शास्त्रों को पढ़ाना, उनको विज्ञान पढ़ाना ये संभव नहीं है। सरल पद्धति यही है कि जो विभिन्न शास्त्र पढ़ा रहे हैं वो संस्कृत भाषा सीख लें और उन ग्रंथों को पढ़ सकें। जैसे हम पश्चिम में उत्पन्न हुए शास्त्रों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी पढ़ते हैं, वैसे ही भारतीय शास्त्रों को पढ़ने के लिए हमको संस्कृत पढ़नी चाहिए, तभी हम भारतीयता से संबद्ध हो पाएंगे, अन्यथा हम केवल विदेशी शास्त्रों को ही पढ़ाते रहेंगे जिससे हमारा समाधान नहीं होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, छात्रों से भी अध्यापकों से भी, कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए प्रवृत्त हो, अग्रसर हो। इतना कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहु धन्यवाद तत्र, बहु धन्यवाद महाभागा, भवतां वचन ही सर्वे अपि अधिकं प्रोत्साहिता वर्तन्ते संस्कृत भाषायाः पठनं स्वीकर्तुं तत्नीत्वा अग्रे तेषां भाषा ज्ञानं वर्धापयितुं च। तर्हि बहु धन्यवादाः। इदानीं मम महत् सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्माकं संस्थायाः निदेशक महोदयानां परिचयं कर्तुं। तत्पूर्वम् अहम् एतावत् वक्तुकामा अस्मि यत् अस्माकम् अत्र संस्थायाम् आरम्भतः एव संस्कृतार्थं बहु तत्र निर्देशक महोदयाः प्रोत्साहनं कृतवन्तः। अहं यदा संस्थां प्रविष्टा तदा प्रोफेसर् पार्थप्रतिम चक्रवर्ती महोदयः अपि तत्र संस्कृतस्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि समर्थनं दत्त्वा ते तस्य प्रोत्साहनं कृतवन्तः। विद्यमान अस्माकं निर्देशक महोदय तद् अग्रे नीत्वा अस्मान् इतोपि पूर्णरूपेण सहयोगं कुर्वन्ति, येन वयं सर्वे अपि मिलित्वा यथाशक्तिः एतस्याः भाषायाः पुनः भारतीयज्ञानपरम्परायाः पूर्णं वर्धनं कर्तुं शक्नुमः, पूर्णं तस्य प्रचारं कर्तुं शक्नुमः। एतस्मिन् संलग्नाः महाभागाः प्रोफेसर् वीरेन्द्रकुमार् तिवारी महाभागाः सन्ति, अहं तेषाम् आङ्ग्लभाषायामेव परिचयं करिष्यामि। Professor Virendra Kumar Tiwari ji is a faculty member and former head of the Department of Agriculture and Food Engineering and Rural Development Center. He is presently the director of the Indian Institute of Technology, as we've mentioned, and since 2019. Professor Tiwari and the institute have the same pulse, because Professor Tiwari grew up on this campus as a campus boy and went on to become an alumnus of the institute. He completed his BTech honors in agricultural engineering from IIT Kharagpur in 1979, his MTech in farm machinery and power engineering in 1981, and his PhD in engineering in 1985. Professor Tiwari joined the institute as a faculty member in 1990, where he rose to the rank of the professor in farm machinery and power engineering in the Department of Agriculture and Food Engineering. He was associated with JE from 2003 to 2006, and was the All India Organizing Committee Chairman of JE from 2005 to 2006. Many of his pioneering initiatives, such as the design of question papers, and are being followed even now. Professor Tiwari's core research areas include tractor system design, ergonomics, and industrial safety, design of agricultural machines, precision agriculture, and machinery system management. Among his key research projects, the Center of Excellence for Digital Farming Solutions for Enhancing Productivity by Robots, Drones, and AGVs, National Agricultural Higher Education Project, the NAHEP, deserves special mention. In addition, he is leading several projects by Central Institute of Agricultural Engineering, the Indian Council of Agricultural Research, Ministry of Agriculture and Farm Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India.
Professor Tiwari has also performed collaborative research with several tractor industries, including Tractor and Farm Equipment, the TAFE Limited, Chennai, M&M Limited, Mumbai, John Deere Private Limited, Pune, Escorts and Eicher Tractors, Faridabad. He has also worked with Tata Steel, Jamshedpur in the area of ergonomics and safety engineering for system safety in different manufacturing shops, including different mine projects from 2003 to 2013. His work in the field of tea engineering and tea companies like Duncan's, Agro and Williams, and Magor Private Limited in the design and development of tea machinery is also commendable. Professor Tiwari has been conferred with several awards, accolades by Indian Society of Agricultural Engineers, the Indian Society for Technical Education, National Research Development Corporation, to name a few, the ISAE Gold Medal, the Jawaharlal Nehru Award for his contribution in the field of agriculture mechanization. He has held several important positions, including the President's nominee on the Selection Committee for Recruitment of Academic Staff, faculty in the National Institutes of Technology and IITs, the IIEST Shippur and NIIT Andhra Pradesh, President's nominee on the Academic Council of the Vishwa Bharati Shantiniketan. He's been the Board of Governors. He's been a member of Board of Governors, Society of National Institute of Technology Teachers Training Research at Kolkata, also at IIT Delhi, IIT Bhubaneswar. He's been the member of the Council of IITs and the member of Board of Trustees of the Indian Museum at Kolkata. Nominated as Chairman, Board of Practical Training, Kolkata, under the Ministry of Education, Government of India, New Delhi. Nominated also as the board member for the Shiv Nadar University Academic Council. Besides this, sir is a very visionary director who has, amongst his thrust areas, laid out certain goals that the institute needs to achieve, including improving the institutional ranking, technology commercialization, water conservation and management, waste management and green energy, rural development projects, and cultural exchange among students within the institute and beyond. So I wanted to just mention here that Sanskrita Vede Yada Te Arya Vishaya Vadanti, when they talk of the term Arya, one of the roots of the word Arya is Ar, which means to cultivate. One is to fight and the other is to cultivate. So Professor Tiwari is our director, sir, is cultivating the soil of IIT Kharagpur so that the rich knowledge, the wealth of Indian knowledge can grow once more in its abundance and spread all across the country and the world. Sir is deeply dedicated to this cause, and we are extremely grateful that he has given us his wholehearted support and also graced this occasion with his presence. And now I request him to kindly say a few words to lay forward the vision for the center as well as the role of Sanskrit in that. Bahu dhanyavadah mahabhaga. Namaskar. Sabse pehle to main ये कहना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन हमारे लिए नहीं देना चाहिए और दूसरी चीज ये है कि हमें चीफ गेस्ट भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब होस्ट हैं, हमारे देसाई जी ने कहा कि हम लोग होस्ट हैं, तो होस्ट ही चीफ गेस्ट कैसे बन सकता है। तो यहाँ मैं क्षमा चाहूंगा कि हमको चीफ गेस्ट आप लोगों ने बनाया, लेकिन हम समझते थे कि या तो हमारे जो पुजारी जी हैं या अनिल सहस्त्रबुद्धे जी हैं या वाइस चांसलर श्रीनिवास, ये हमारे ख्याल से इन लोग में से कोई चीफ गेस्ट ही होने से अच्छा था हमारे लिए भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोग तो होस्ट हैं, तो हम चीफ गेस्ट अगर बन गए तो हम तो अपने इंस्टीट्यूट में भी नहीं रहे, हम तो बाहर से आए हुए हो गए। ठीक है, आप सबको नमस्कार। हम सबसे पहले पुजारी जी का हमें बहुत ही अच्छा लगा जो आपने कहा, और बड़ा अच्छा है कि आपने सब चीजों को इतनी सूक्ष्म शब्दों में कहा, और उसका हमारे ख्याल से हम लोग उसी दिशा में शायद हैं, हम बताएंगे आपको। हमारे पास हमारे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी भी हैं, काफी दिन से हम एक दूसरे को जानते हैं, हम लोग मिल चुके हैं, और हमें जब भी कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं एक फोन करता हूं और आंसर केवल यस में ही आज तक आया है। और सर मैं बहुत ही आपका आभारी हूं कि मैंने देखा नहीं, मैं आपको सबसे पहले मिला था जेईई के संदर्भ में IIT गुवाहाटी में जब आप डिप्टी डायरेक्टर थे,
बहुत सालों पहले, और तब से मैं आपको जानता हूँ, और पिछले कुछ दिनों से तो बहुत ही आपका आभारी हूँ कि आप जब भी कुछ हमारी जरूरत पड़ी, पिछले साल हमारी जरूरत पड़ी थी या अभी भी, तो आप सदैव तत्पर रहते हैं और हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और हमें खुशी है और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ हैं और देते रहेंगे। हमारे तीसरी जो श्रीश वाखेरी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ IIT खड़गपुर में। बात सही है कि ये पैंडमिक के चलते हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन हम किसी अब ये भी सोचते हैं कि ठीक है, देखिए कि हम लोग कितने हमारे कितना पैसे की बचत हो रही है। जो हमें कहना था वो हम तो आज एक दूसरे से कह करके और समझ भी ले रहे हैं, केवल हम लोग हाथ नहीं मिला पा रहे हैं। और अच्छी बात है, हाथ मिलाना अभी शायद वर्जित है, लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि आज देखिए सब लोग अपनी अपनी जगह पर हैं, आनंद से हैं, और फिर भी हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे साथी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जॉय सेन हैं, प्रोफेसर सुमेश कुमार हैं, प्रोफेसर देसाई हैं, हमारी जो प्रोफेसर एक किशोर जी दिख रहे हैं, और भी हमारे जो दोस्त हैं, तथा हमारे जो यंग और बहुत ही डायनेमिक हमारे जो बहन हैं अनुराधा जी, आई लाइक हर सो मच। हम उनको कहते हैं कि शी इज माई यंग सिस्टर, बिकॉज माई यंग सिस्टर इज ऑल्सो ओल्डर देन हर। तो हमने कहा कि भाई आप कभी भी कुछ भी जरूरत हो सीधा हमारे पास आ जाना, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब से मैं उनको जानता हूँ, ये राधा जी इसमें संस्कृत में लगी हुई हैं, अन्वय हैं और भी लोग जो हैं, तो मैं सबका स्वागत करते हुए दो एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो आप सबने जो ये जो गोष्ठी शुरू की, ये बहुत ही अच्छी चीज है। मैं कहीं पढ़ रहा था, जैसे कि हमारे पुजारी जी ने कहा कि मथुर विलेज और एक दूसरा जो ग्राम है मध्य प्रदेश में, तो ये कि मैंने इसके बारे में सुना भी था और मैंने एक छोटा वीडियो भी देखा था करीब 6-7 साल छ-8 महीने पहले भी। और मैं जब देखा कि देखिए क्यों नहीं, हमारी परंपरा हम लोग क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, यही मैं सोच रहा था एक दिन। और मैं देखा कि करीब 4,000-4,500 पहले संस्कृत ही स्पोकन लैंग्वेज हुआ करती थी हमारे देश में, और हम जानते हैं कि हमारे जो हमारा जो देश था एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और इसीलिए लोग आए और हम लोग को लूट कर लेके चले गए, हमारी संस्कृति को भी विनाश करके चले गए, और शायद जो मुगल जब आए उसमें हमारी संस्कृति को खराब करके हमारा जो संस्कृत था जिससे हमारी संस्कृति बनी थी उसको करीब खत्म कर दिया, समाप्ति कर दिए, और उन लोगों ने अरबी फारसी और जिसके बीच से निकला एक उर्दू, हमें पता है कि शायद उर्दू कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है, शायद अरबी और फारसी से ही वो उत्पत्ति हुई थी, कोई हमको किसी समय बताए थे। तो ये सब हम लोग को सिखाते गए, और उसके बाद 150 साल या 200 साल पहले जब मिकालो आया तो उसने हमारी पूरी संस्कृति को खत्म कर दिया, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम ही लाया और उसको पता था कि अगर किसी भी देश को बर्बाद करना है तो उसके संस्कृत शिक्षा जो है या फिर उसके एजुकेशन सिस्टम को ही खत्म कर दो, और उनने हमारी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया, जिसके चलते हमारे जैसे कि पुजारी जी कह रहे थे कि उनको पता ही नहीं था, वैसे हमको भी पता नहीं था, लेकिन जब मैं देखता हूँ, जब मैं संस्कृत में गांव में संस्कृत पढ़ा था क्लास 6 में जब मैं था, मैं केवल 4 महीने 6 पढ़ा हूँ, 7 में पढ़ा ही नहीं और 8 में पढ़ा मैं, तो जब मैं संस्कृत पढ़ता था मैं अपने क्लास में संस्कृत में 99 पाता था, मेरे को हमारे जो टीचर कहते थे कि इतना रूप याद कर लेता है, इतने सब क्षण सब कुछ याद कर लेता है, और मैं बोलता भी था अपने स्कूल में, तो हमारे एक अभी तो नहीं रहे वो जो हमारे स्कूल के सुदिष्ट नारायण सिंह हुआ करते, तो वो एक बार हमें खड़ा करके कहे कि संस्कृत में तुमने भाषण दो, तो कुछ 4-5 लाइनें में कहा था बहुत पहले, हमको लगता है 1966 की बात है जब मैं क्लास 6 में था।
तो मैं कह सकता हूँ कि संस्कृत ये हमारे बहुत क्लोज है, और मैं जब से हमें एक बीच में हमारे एक संस्कृत का ही आई थिंक संस्कृत भारती से ही एक हमें बुलाया गया था, और मैंने कहा कि मैं एक साल बाद जब आऊंगा तो मैं संस्कृत में ही भाषण दूंगा, तो मैंने संस्कृत की दो एक किताब भी खरीदी है और कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत अच्छा लगता है और मैं पढ़ा हूँ, इसलिए हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब हम जर्मनी जाते हैं तो जर्मन भाषा हमको सीखनी पड़ती है, रशिया में जाते हैं तो हम रशियन सीखते हैं, तो हमारे हिंदी हमारे देश में संस्कृत क्यों नहीं हम लोग सीखने चाहिए। और सही है पुजारी जी का बात हमको अच्छा लगा, उन कह रहे थे कि जो हम शास्त्र जानते हैं, जैसे मैं जब इंग्लिश में पढ़ाता हूँ फार्म मशीनरी डिजाइन, तो हमारे जो छात्र हैं जो कि हिंदी मीडियम से आए हैं वो कहते हैं कि साहब हम लोग को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, तो मैं उनको हिंदी में समझाता हूँ, तो जो चीज मैं उनको हिंदी में समझाता हूँ जब हमें संस्कृत आए तो मैं संस्कृत में भी उनको बता सकता हूँ, जो हमारे लड़के छात्र संस्कृत सीखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो ऐसे साहब ने कहा कि संस्कृत के लिए काफी लड़के आए हैं और उनके उनके सब्जेक्ट के लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में, तो हम चाहेंगे कि संस्कृत का भी हम लोग एक सब्जेक्ट, जैसे कि हमने सब्जेक्ट दिया है कि कोई एक लैंग्वेज, जैसे कि हमने कहा है कि इंग्लिश फॉर इंग्लिश फॉर टेक्निकल राइटिंग, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट में संस्कृत को भी जोड़ा जाए, और लोगों को हम जैसे इंग्लिश सिखा रहे हैं, जो बच्चे हमारे कमजोर हैं हिंदी में बंगला में, उनको हम इंग्लिश जैसे साइड बाय साइड सिखा रहे हैं, वैसे हम संस्कृत भी सिखाने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का जब मैं देख रहा था, हम लोग जब भारत तीर्थ किए थे उसमें मैंने देखा कि जो हमारे श्लोक हैं और श्लोक के माध्यम से हमारे जो फॉर्मूले हैं, जो मैथमेटिक्स के हों, अलजेब्रा के हों, या वो बीजगणित के हों, और जो एक ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने देखा तो वो श्लोक के अंदर से आया है। तो ये जब चीजें समझाए जाए तो ये जो हमारे छोटे जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को जब देखेंगे कि देखो पाइथागोरस थ्योरम हमारे बोधायन ने दिया था वो यहाँ लिखा हुआ है, और जो जो सूत्र है जो कि न्यूटन्स लॉ कहा जाता है वो किसी हमारे ऋषि ने ऑलरेडी कहा था, जो कि आजकल प्रूफ हो गया सब जानते हैं। तो जब उनको हम बताएंगे तो समझेंगे कि अरे संस्कृत के अंदर तो हमारे पास पूरा हमारा खनिज रखा हुआ है, हमारे मटेरियल्स की नॉलेज है, क्योंकि आज जो हमारे पास जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको देख के हमको लगता है कि वो कैसे बनाए गए थे, क्या उनके पास कला थी, कौन सा आर्किटेक्चर था, या कौन सा मटेरियल नॉलेज था, जरूर रहा होगा, तभी तो ये हुआ है, नहीं तो होता नहीं। इसके मतलब हमारे वेदों में और संस्कृत में लिखा गया है, और इसी शायद इसीलिए संस्कृत 16 यूनिवर्सिटीज में अभी जर्मनी में संस्कृत यूनिवर्सिटी की गई है, इसी को जानने के लिए कि क्या क्या वेदों में लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, और ये मटेरियल क्या है, या इसका सूत्र क्या है, और या इसके गुण क्या है, ये सब चीजें उसके अंदर हैं। और ये हमारे पुजारी जी ने ठीक ही कहा कि हम उसको लेकर तुरंत शुरू नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम पीछे हैं, हमारे 150 साल पीछे तो है, 75 साल तो पीछे हो गए आजादी के बाद, और 150 साल से तो उससे 2 साल तो हमारे चले गए, तो हम लोग तो उसी सिस्टम से आए हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे हमारे आज से 20 साल 25 साल बाद जो हमारे बच्चे आएंगे, उनको हम लोग चाहे कुछ अच्छा देकर जाएं, हम लोग अगर ये प्रावधान करेंगे तो शायद ये इंस्टीट्यूट 2047 में शायद यहाँ पर संस्कृत सब जगह बोला जाएगा। हमारे ख्याल से अगर हम लोग चाहें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम से जो हम लोग सोचे हैं, इसको ये डिपार्टमेंट बनने वाला है 3 साल के अंदर ही, और इसमें हम लोग देश विदेश से जितने संस्कृत जाने वाले हैं, जितने नॉलेजेबल साइंटिस्ट हैं, उनको हम बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि आप हमारे यहाँ आइए, और जो भी हमारे संस्कृत में लिखा हुआ, हमारे वेदों में उपनिषद में लिखा हुआ, उसका रिसर्च करिए और बताइए, पूरे विश्व को बताइए कि हमारे पास क्या थी, क्योंकि नालंदा और तक्षशिला के तो चीजों को जला दिया गया, तो सब कुछ लूट के लेके चले गए और लोग जला दिए, तो हम चाहते हैं कि फिर से एक प्रादुर्भाव हो इस चीज का, और हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। हमें पता है कि हमारे अनिल जी भी मंत्रालय में कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम जो उसके बीच में कर रहे हैं, हमारी बहन अनुराधा जी को भी एक ये अनुरोध आया है कि वो कुछ हेल्प करें मंत्रालय को,
तो हम चाहते हम हमारा विश्वास है कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर के करें और सब आईआईटी है, जैसे कि कुछ आईआईटी के हमारे डायरेक्टर फ्रेंड है वो भी चाहते हैं कि हम लोग एक साथ मिलकर के इसको शुरू करें और इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारे सब आईआईटी में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस होना चाहिए, ताकि कोई कहे कि आईआईटी खड़गपुर में अगर ये चार पाँच छः सात चीजें होंगी तो आईआईटी पटना में दो चार चीजें होंगी, आईआईटी भुवनेश्वर में एक आध चीजें होंगी, आईआईटी बीएचयू में दो एक चीजें होंगी, इंदौर में होंगी, हर आईआईटी 23 आईआईटी है, 23 आईआईटी में अगर हम लोग 23 सब्जेक्टों की लेकर के ही अगर एक करें तो हमारे ख्याल से एक साथ हम लोग अगले 10 साल के अंदर में काफी चीजें निकाल पाएंगे। तो मैं ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अनुराधा जी, जॉयस सेन, हमारे देसाई जी और जो भी लोग हैं यहाँ पर, सबके आशीर्वाद से हम लोग अगर इस आईआईटी खड़गपुर में स्टार्ट करें और सबको, जैसे हमारे जॉयस सेन साहब ने कहा कि हम लोग सेंटर बने और स्पोक में हम 23 आईआईटी को जोड़े और सबको एक एक चीज दिया जाए, कहा जाए कि आप इस पर रिसर्च करिए सब लोग, तो एक चीज लेकर के कुछ वहां पर रिसर्च स्कॉलर्स भी जाए, हर आईआईटी में 2-3 रिसर्च स्कॉलर्स रहें जो कि एक एरिया पर करें। हमें पता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ लोग हैं जो कि जो पहले पत्तों में जो लिखा गया था उस पर कुछ रिसर्च चल रहा था, मुझे मालूम है, शायद 5-6 साल पहले एक महानुभाव आए थे तो उनने हमको बताया था कि इस पर हम लोग पूरा शोध कर रहे हैं और उनको ट्रांसलेट करके डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक गया मुझे पता नहीं है, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये काम चल रहा था और हमारे ख्याल से जरूर चल रहा होगा। तो हम लोग अगर चाहें तो 23 आईआईटी से शुरू करें, उसके बाद जो एनआईटीज हैं, 30 एनआईटीज हैं, 32 एनआईटीज हैं, सब में थोड़ी थोड़ी इस चीज को एज स्पोक हम लोग करें, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग एक साथ मिलकर के और 2047 का एक उद्देश्य दें, पहले 2030 का एक उद्देश्य दें कि 2030 में इस चीजों में हमारा पूरा नॉलेज होगा, इतने स्कॉलर्स होंगे और इस आईआईटी एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये चीजें होगी, तो मेरे ख्याल से पूरा देश में एक प्रादुर्भाव होगा और संस्कृत के बारे में लोगों को होगा और ये जो जो हमारे रीजनल लैंग्वेज जो कहते हैं, हमारी सबकी दोस्ती भाषाएं हैं, रीजन की नहीं है, जो कि है जैसे कि मराठी है, बंगाली है या असमीज है, हम लोग सब एक साथ जानते हुए संस्कृत भी बोलेंगे ताकि हम लोग आप एक हो जाए, हमारा समरसता आ जाए हमारे अंदर में, और जो भी चीजें अपने लैंग्वेज में हम जाते हैं, मातृभाषा में जानते हैं, जब हम संस्कृत बोलेंगे तो हम विश्व को संस्कृत के सिखाएंगे, तब हमारे जर्मनी जो 16 यूनिवर्सिटी है उनके लोग यहाँ आएंगे हमारे पास कि नहीं चलो आईआईटी में चलते हैं या आईआईटीज में चलते हैं और कुछ न कुछ हम सीखने की कोशिश करें। तो ये छोटा सा प्रयास जो हमारे बहन चौधरी अनुराधा ने किया, अनुराधा जी ने किया है, जो असिन साहब है और भी जो लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ में, हम लोग चाहेंगे कि पुजारी जी हैं उनके आशीर्वाद से, अनिल शास्त्री पूज्य जी के आशीर्वाद से और जो भी वरकेड़ी जी हैं, सब लोग हमें निर्देश दें और बताएं कि कैसे हम लोग करें। यही सब कहते हुए मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और आज के रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए मैं सबको अपना नमस्कार कहता हूँ और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है सर। हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर ने जो रोड मैप दिखाया है हम लोगों ने, ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें सबको जोड़ने की बात है और इसमें दो टाइप की यूनिफिकेशन की बात की है सर ने, कि एक तरफ तो ये है कि सारे जो प्रादेशिक भाषा है उसके साथ संस्कृत को जोड़ना है, दूसरी बात यह है कि सारे संस्थाओं को जोड़ना है। मैं पहले बनारस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था तो सर जो बताए अभी वो मैं जानता हूँ कि वहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, इनफैक्ट वहाँ पे वैदिक विज्ञान केंद्र जो है वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी तरह से सबको लेकर अगर हम चलेंगे तो जरूर एक बहुत अच्छा दिन, एज जॉयसन सर हैज आल्सो टोल्ड अस ऑलरेडी, अ वेरी गुड डे इज गोइंग टू कम वेरी सून। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस दिस डायरेक्शन, यू नो दिस न्यू डायरेक्शन, थैंक यू वेरी मच। Now, we would request Professor Anil Sastrabuddhi ji to deliver the address as the guest of honor in this program. Professor Sastrabuddhi doesn't need any introduction, but nevertheless, as a matter of formality, we'll have to introduce him. So, Professor Anil Dattatreya Sastrabuddhi ji,
professor of mechanical engineering at IIT Guwahati, is currently chairman of All India Council for Technical Education, that is AICTE. And it's a great thing that AICTE has stretched its helping hand towards us in organizing this program. Professor Sastrabhude has held several important academic research and administrative positions at IIC Bangalore, Tata Consulting Engineers, Northeastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, Arunachal Pradesh, and IIT Guwahati. He also served as Director, College of Engineering, Pune, since 2006 on deputation from IIT Guwahati, prior to joining as the AICD chairman. As an academician and researcher in NERIST and IIT Guwahati, and as an administrator in the capacity of Director, COEP, he has taken up several new initiatives for academic, curricular, and co-curricular activities, entrepreneurship, research, and good governance. He is chairman, Basic Science Research, that is BSR, Empowered Committee of UGC and Swayam Board. He is fellow of ISTE, IET, Institution of Engineers, INAE. He has been bestowed with several awards, which include Maha Entrepreneur Award 2011 of Praj Industries, Jivan Gaurav Puraskar, Lifetime Achievement Award from MIT World Peace University, Pune in 2019, Mahatma Gandhi Leadership Award from Indian Achievers Forum and CSR Times in 2019, and many other such awards. Now we welcome Anil sir to say a few words. Namaskar. Namaskar. Sarvapratham Raksha Bandhan Utsav Shubhashayah. Aaj bahut hi mahatvapurna din hum is बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं. आदरणीय प्रोफेसर वीके तिवारी जी बहुत ही विचारपूर्वक कई चीजें हमारे सामने पेश की, जिसको हमको अमल आने के लिए अगले कुछ दिनों में शुरुआत करनी है. प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़े जी जो वाइस चांसलर हैं, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी के, हमारे बाद में वो बात करने वाले हैं. प्रोफेसर जॉय सेन जी और मेरे मित्र प्रोफेसर वेंकपया देसाई, प्रोफेसर सोमेश कुमार और सबसे महत्वपूर्ण श्री श्रीदेव पुजारी जी ने जैसे हमको बताया कि हम सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हुए भी हमको हमारा ही ज्ञान का परिचय नहीं था और आज भी कई लोगों को नहीं है, तो उसको उजागर करने की जरूरत है. और डॉक्टर अनुराधा चौधरी जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में कल बताया गया, क्योंकि श्री कपिल कपूर जी इस कार्यक्रम में आने थे लेकिन उनकी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए एज ए वो क्रिकेट में सब्स्टिट्यूट प्लेयर को लाते हैं ना, वैसे मुझे सब्स्टिट्यूट लाया गया, लेकिन सब्स्टिट्यूट भी सही इस टीम में खेलने के लिए मिल रहा है, इसका मुझे बहुत ही संतोष है. और डॉक्टर अन्वय मुखोपाध्याय जी, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जो आपका अनुभव BHU का है और यहाँ का है बता रहे हो, तो ये संस्कृतोत्सव 2021 आज से 22 से 29 तक आप खड़गपुर IIT में जो कर रहे हैं, तो बहुत ही अभिनंदन पूर्वक मैं आप सभी लोगों को इसमें सब लोगों को जुड़ने के लिए मेरे तरफ से भी आभार वंदन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं IKS डिवीजन जो मिनिस्ट्री का है उसका सहभागी हूँ. जैसे पहले भी तिवारी जी ने कहा कि हम सभी को किसी को भी इसमें चीफ गेस्ट वगैरह बोलना नहीं चाहिए, गेस्ट ऑफ ऑनर वगैरह, हम सब कार्यकर्ता है ऐसा समझकर हमको कार्य करना चाहिए. और ये 8 दिन का उत्सव आप जो कर रहे हैं, तो उसके सानिध्य में मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्कृत भारती ने भी 19 अगस्त से 25 अगस्त तक उनका भी चल रहा है, तो ये ओवरलैपिंग पीरियड जैसा है. और बहुत ही अच्छी तरीके से हमको पुजारी जी ने बताया, तो वैसे हमको ये दोनों का सम्मिलन करते हुए, और आज रक्षाबंधन है, तो हमको हमारे देश की रक्षा, उसके साथ साथ हमारी भाषा की रक्षा यानी संस्कृत की रक्षा, और ये बंधन में हम लोगों को एक साथ जोड़ते हुए सारी भाषाओं को, सारे प्रदेशों को, सारे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने के लिए जो प्रोफेसर तिवारी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमको सुझाव दिया है, उसको हम सही तरीके से अमल बजावनी करेंगे, ऐसे मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ. और इस साल हम हमारे देश का आजादी का 75वां यानी अमृत महोत्सव भी कर रहे हैं, और जैसे कि हमारा इतिहास तो
ये 75 साल का नहीं है। ये हमेशा हमको लगता है कि हमारा देश 75 साल पुराना है। नहीं, हमारा इतिहास जो है वो 10,000 साल पुराना है, कम से कम 5,000 साल पुराने अनेक विषय हमारे सामने उजागर हो गए। वो उत्खनन जो हुए, एक्सकेवेशन जो हुए, धोलबेरा का हो, द्वारका हो, मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, और हमारी भाषा हो, इसके बारे में गौरवान्वित रूप में बाकी दुनिया देख रही है, लेकिन हमको ही इसके बारे में ज्ञान कम है, क्योंकि हमारे स्कूलों में संस्कृत विषय ही नहीं था। मैं मेरी दुख की कहानी जो बताना चाहता हूँ, जो 1 से 7वीं तक मैं जो स्कूल में था, वहाँ मराठी, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी था, लेकिन संस्कृत नहीं था। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में भी यही हाल था। तो 11वीं 12वीं में एकदम डायरेक्टली मैंने कॉलेज में संस्कृत लिया, बिल्कुल आता जाता नहीं था, लेकिन संस्कृत जो पढ़ाया जाता था वो संस्कृत में नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे शुरुआत में भी हमको बताया गया कि हमको संस्कृत संस्कृत में पढ़ाना चाहिए, लेकिन वो अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे और हम ट्रांसलेशन सिर्फ देखते थे और 90-95 मार्क लेते थे, लेकिन आता बहुत कम आता है। घर में जो कुछ श्लोक वगैरह पढ़ाया गया उतना ही संस्कृत आता है। तो इसलिए हमारे इस पूरे गौरव काल को यदि हमको समझना है तो संस्कृत भाषा का विकास होने की जरूरत है घर घर में। अब 2 गांवों में संस्कृत बोलने से नहीं चलेगा, राज्यों में चलना चाहिए। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि कुछ साल हमारे देश में असम प्रांत जो है वहां के भाषा संस्कृत भाषा थी, राज्य भाषा थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में संस्कृत बोली चाली भाषा नहीं थी, ऐसे नहीं है। ये 200-300 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उसके पहले तो संस्कृत भाषा सब लोग अपने अपने जगह में बोलते थे। जो उसका जो ग्रामर के बारे में हम जो पढ़ते हैं, पाणिनि की ग्रामर, वो शायद विद्वान लोगों के लिए है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए भाषा हमेशा हमारे यहाँ थी। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे यहाँ जो विश्वविद्यालय थे, वहां सीखने के लिए जो बाहर से आते थे पूरी दुनिया भर से, तो उनको तो संस्कृत सीखना ही पड़ता था। जैसे अभी भी बताया कि जर्मनी में जाने से जर्मन में पढ़ना पड़ता है, तो भारत में आने से संस्कृत पढ़ते थे और यहाँ से ज्ञान को लेकर बाहर ले जा गए थे। लेकिन अभी हमारे 700-800 साल का जो इतिहास है, इसमें हमको धीरे धीरे भूल हो गई हमारे ऊपर। जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वी आर गेटिंग रस्टेड, तो उसको क्लीन अप करने की जरूरत है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन करने की जरूरत है, सर्जिकल ऑपरेशन करने की जरूरत है। वो ये यदि करके क्लीन अप करेंगे तो मेरे ख्याल से हमारे देश का जो इतिहास है उसको भी हम समझ सकेंगे। तो जब देखते हैं कि ये एक ही देश है जहाँ जो हम बार बार कहते हैं कि ह्यूमन एक्सेलेंस के बारे में, ह्यूमन एक्सेलेंस का जो परिकाष्ठा है वो यहाँ अलग अलग विधा से यहाँ बताई गई थी। यानी हम अलग अलग कोशों के बारे में बताते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यानी ह्यूमन पोटेंशियल और उसका डेवलपमेंट फ्रॉम सेल्फ टू फैमिली टू सोसाइटी टू नेशन टू द एंटायर ग्लोब एंड नेचर एनवायरमेंट, इसके बारे में बहुत ही स्पष्टता पूर्वक हमारे वेदों में, पुराणों में सब लिखा गया है। यानी व्यक्ति से परमेष्ठी तक कैसे जाने का जो जो हमारा जर्नी होती है उसके बारे में कहा गया है। ये हमको सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए देने की जरूरत है। तो हमारे यहाँ जो ग्रंथ है उसमें गवर्नेंस हो, रूल ऑफ लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी, कला, गणित शास्त्र हो, और साइंस में तो सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब के बारे में काफी अध्ययन हो गया था। आयुर्वेद है, योग है, मेडिसिन इंक्लूडिंग सर्जरी के बारे में, ये सब हमारे वेदों में, पुराणों में, अलग अलग जगह में लिखा गया है। और उसको पढ़ के हमको उसको और एक बार रेलेवेंस के साथ आज की परिवेष्टा में जैसे उसको लाया जा सकता है, यानी आज जब कोविड होता है तो अचानक हमको आयुर्वेद का ध्यान आ जाता है, लेकिन अनेक जो चीजें हैं, डायबिटीज है या हार्ट प्रेशर है, ये सब के लिए भी काफी उपाय हमारे इसमें एकदम नेचर के साथ जुड़कर दिए गए हैं। उसका हमको एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे ये भी खुशी होती है कि पिछले साल पैंडेमिक शुरू होने के जस्ट पहले 18 मार्च 2020 को मंत्रालय में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। उस समय के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वहाँ
कई लोगों को बुलाया था, उसके साथ साथ कई लोग आईआईटी से जुड़े हुए थे ऑनलाइन में, और उस दिन हमारे एक इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा का छोटा सा बीज बोया गया, और उसके बाद 20 अगस्त 2020 को ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, उस समय पे जिसका नाम बाद में बदलकर अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है, उसको हमको दिया गया एज ए आईकेएस डिवीजन, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स डिवीजन उसका बनाया गया। उसमें हमारे प्रधानमंत्री के सलाहकार, विज्ञान सलाहकार विजय राघवन जी, डॉक्टर अनिल जोशी जी, चमू कृष्ण शास्त्री जी, कपिल कपूर जी जो आज आने वाले थे नहीं आ सके, उनके सेहत के लिए हम जल्दी ठीक हो और अगले 2-3 दिन में हमारे कार्यक्रम में सहभागी हो ऐसे मुझे लगता है, और शैलेंद्र जी और शशि बाला जी, ये सभी लोग इसमें शामिल हैं, और इसकी भी बैठक बार बार होती रही है। और हमने एक आईकेएस का एक वेबसाइट तैयार किया है, उसमें सारे देश भर के लोगों को हमने सुझाव दिया था कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और उस दिन जो मैं कह रहा था कि 18 मार्च 2020 को हमारे साथ 100 लोग जुड़े थे, तो उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद करीब करीब 900 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग पूरी की पूरी रुचि के साथ हमारे साथ जुड़कर काम करने के लिए तैयार है। शायद हम कम पड़ रहे हैं कि इनको कार्य देने में हम अभी भी सफल नहीं हो रहे, तो 900 लोगों की ताकत जब एक साथ आएगी, जो तिवारी जी ने कहा कि सिर्फ 23 आईआईटीज नहीं, 31 एनआईटीज नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय है, हमारे अनेक कॉलेज है जहां ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं, और हम इसकी सूची बनाते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये 900 नहीं है, ये 10,000 नहीं, 1,00,000 के ऊपर ऐसे लोग हमको मिलेंगे। लेकिन ये सब लोगों को कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम कैसे इकट्ठा आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें अनेक विषय है। हमारे पोर्टल में ही हमने 6 विषयों का जिक्र किया है। एक है साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत जो हम सब लोग साइंस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा कह रहा हूँ, टाउन प्लानिंग हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनवायरमेंट हो, गणित हो, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंसेज यानी बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी के साथ साथ जो एनवायरमेंट साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, कॉस्मोलॉजी है, और अलग अलग क्राफ्ट्समैनशिप है, ये सभी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ग्रुप में आता है। तो इसमें जो जो जिसको जिसको रुचि है वो हमसे जुड़े। ऐसे ही हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में, फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, सर्जरी हो, मेडिकल केयर है, और उसके अलावा डाइटोलॉजी है, आज सब लोग डाइट के बारे में बात करते, तो वो भी हमारे यहाँ कौन सा आहार कब लेना चाहिए उसके बारे में भी ज्ञान था, चाइल्ड केयर है, ये सब चीजें हम अलग, उसके अलावा साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स एक विभाग है, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पांचवा आर्ट, लिटरेचर, फोकलोर, ये सभी चीजें हैं। और फाइनली सबसे महत्वपूर्ण जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, वेद, वेदांग, उपवेदास, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और अदर लैंग्वेजेस, सिर्फ संस्कृत भी नहीं, उसके साथ पाली और तमिल और प्राकृत, ये सभी भाषाओं को भी जोड़ते हुए हमारी जो परंपरा है उसको हमको एक साथ जोड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा महासागर, छोटे छोटे बूंदों के साथ नदी बनती है, नदी से बाद में सागर बनता है, सागर से महासागर बनता है, वैसे ही भारतीय ज्ञान परंपरा का महासागर बनाकर हम पूरी दुनिया को, हम जो बार बार कहते हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए, और सिर्फ विश्व गुरु नहीं, हम हमेशा कहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है ये सबके लिए, क्योंकि हम हमेशा पूरे दुनिया को हमारी फैमिली यानी हमारा कुटुंब माने हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वैसे ही सर्व का सुख, सर्व का समाधान, सबको खुशी होनी चाहिए, इसके लिए हम हमेशा सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु भी कहते हैं। तो इसलिए ये ज्ञान का महाभंडार हम तैयार करके हमारे ये पोर्टल में वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स हम पोस्ट करेंगे। आज ही एक मैंने आपके पूर्व जो डायरेक्टर है, निदेशक थे, उनका एक फेसबुक में देखा कि उन्होंने धोलबिरा के बारे में लिखा था, तो उसके बाद मैंने कहा कि ये अलग अलग भाषाओं में हम ट्रांसलेट करके सबको देंगे, और ऐसा वैलिडेटेड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे रिसर्च पेपर हम पीयर रिव्यू करके करते हैं, वैसे ही जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको वैलिडेट करके उसके रेफरेंस के साथ हम यदि हमारे आईकेएस डिवीजन जो मिनिस्ट्री का प्लेटफॉर्म है वहां देंगे, तो पूरी दुनिया को इसका लाभ होगा,
और हम इसमें कार्यरत रहेंगे, ऐसे कहते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। और बहुत बहुत इस आईआईटी खड़गपुर के वेरी स्पेशल, ये पहली बार किसी आईआईटी ने इसकी पहल करते हुए जो आपने यहाँ सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाया है, उसके बाद अभी आईआईटी गुवाहाटी बना रहे हैं और भी आईआईटीज आगे आ रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे कहते हुए मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ, नमस्कार। बहुत धन्यवाद अनिल महाभागा। आपने जैसे कहा कि हमने आपको सब्स्टिट्यूट के तौर से लास्ट मिनट एंट्री करवाया, मगर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फर्क ये है कि आप, हमारा पूरा विश्वास था कि आप एक शॉट में ऐसा छक्का मारेंगे कि पूरा हम उसको जीत तक ले जाएंगे हमके, तो बहुत ही हम आभारी है और भगवान के भी बहुत उनका अनुग्रह रहा कि आपने हमारा ये प्रस्ताव अंतिम क्षण में भी आपने स्वीकार किया है, तो इसके लिए हम सचमुच में बहुत ही खुद को हम भाग्यवान हम महसूस करते हैं, तो बहुत धन्यवाद एतदर्थम एंड भवता अस्माकं कार्यार्थं यत् वयम् एतत् कार्यं भवतां निर्देशनेन अस्माकं निर्देशकमहोदयस्य अपि तत्र मार्गदर्शनेन अग्रे बहु अग्रे नेतुं पारयाम, पुनः अस्माकं प्रोफेसर जोयसेन महोदयानां सञ्चालनेन अपि एतस्य कार्यस्य बहु उच्च स्तरं नयामः इति एक भगवतः समीपे अस्माकं प्रार्थना वर्तते। तर्हि बहु बहु धन्यवादाः और आपका आपको हम बार बार भी बुलाते रहेंगे, तो आप हमें प्लीज मार्गदर्शन देते रहिएगा, इसका हमारा अनुरोध है। तो इदानीम अस्माकं अग्रिम वक्ता प्रोफेसर वरखेड़ी महाभागा सन्ति, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागा सन्ति। प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महाभागा अपि अस्मान् अत्र अस्माकं अनुरोधं स्वीकृत्य अस्मान् तत्र बहु किं वदामः ते अस्मान् धन्यः कृतवन्तः सन्ति, तर्हि अहं तेषां परिचयम् आङ्ग्लभाषायामेव करोमि। Professor Srinivas Varkhediji is presently the Vice-Chancellor of the Kavikula Guru Kalidasa Sanskrit University at Ramtek in the district of Nagpur, Maharashtra since December 2017. He is simultaneously working as the Acting Vice-Chancellor of the Gondwana University, Gadchiroli from the 7th of September 2020 to date. Professor Varkhedi was Honorary Dean at the Chinmaya Ishwar Gurukula for Sanskrit and Indic Traditions. He was also Vice Chancellor Acting of Karnataka Sanskrit University at Bangalore from May 26, 2014 till June 2015. He is originally a scholar of Nyaya and other ancient Indian Shastras. He did his original study at the Purna Prajna Vidyapeetha in Bangalore and passed in the first rank and joined the Language Technology Research Center, Indian Institute of Information Technology at Hyderabad as a researcher. He was one of the earliest traditional scholars who took up computer programming in the area of computational linguistics, and he has been awarded the Maharshi Badarayana Vyasa Sammana by the President of India for contributions in interdisciplinary research. Professor Varakedi has received several awards and has been extremely proactive in the promotion of Indian knowledge systems and in the promotion of Sanskrit, not just as a language, as a classical language of the past, which one needs to just know the past, but he's been one of the forerunners of trying to present the Sanskrit language and insisting on the need to interface with modern technology, with modern thinking. So we are extremely privileged that Professor Varakedi has accepted our last minute request again instead of Professor Kapil Kapoor, as Professor Anil Sahasrabuddhaji mentioned, who was unwell. So Professor Varakedi ji has also created the structure to the newly set up Directorate of Sanskrit Education in Karnataka State during 2010 and 2011. He was also the member of the Committee for the Vision and Roadmap of the Development of Sanskrit at the Ministry of HRD, the Government of India. There's a lot to say about him, but I think I will not come between you and his words of inspiration. So with these few words, Mahabhaga Bhavanta Maham Nimantrayami Bhavatam Vachanani Atra Prastautum Pranama. Sarvebhyaha
महाशयाः प्रणामाश्च। राधा भगिनी त्याः आह्वानं सर्वदैव स्वागतं कदापि अहं नेति वक्तुं न शक्नोमि। अत्र सर्वदैव भवत्याः उत्साहः, भवत्याः कार्यरीतिः मां सर्वदैव आकर्षति। अद्य रक्षाबन्धनदिनं यदि सहोदरी आह्वयति चेत् कथं नेति कथयामि। अतः अद्य रक्षाबन्धनोत्सवसन्दर्भे भवत्याः गृहे अहम् उपस्थितः। अद्य कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थिताः मान्यवराः, भारतीय प्रौद्योगिकीसंस्थानस्य निदेशकाः आचार्य वीरेन्द्रकुमार तिवारी महाभागाः, अखिल भारत तकनीकी परिषदः अध्यक्षाः, नैकशास्त्र विशारदाः आचार्य अनिल सहस्रबुद्धे महाभागाः, अस्माकं संस्कृतभारत्याः संघटनस्य महामन्त्रिणः श्री शेषदेव पूजारी महाभागाः, अस्य प्रकल्पस्य निदेशकाः डॉक्टर जयसेन महाभागाः, देसाई महाभागाः, एवं तत्र अस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधारिणी अनुराधे, एवं अमये मुख्योपाध्याय महाभागाः, अन्ये च मत्सुहृदः संस्कृतबान्धवाः। तत्र अहं किञ्चित् निर्दिष्टः यत् संस्कृतस्य तथा भारतीयविद्यास्थानानां च विषये किञ्चिदत्र निरूपणीयम् इति। वस्तुतस्तु अहं संस्कृतेनैव पूर्णं वक्तुं शक्नोमि, यत्र मम सौख्यमपि भवति, तथापि अन्येषां जनानां सौख्याय सौकर्याय च अन्यां भाषाम् आश्रित्यापि अहं किञ्चित् रूपयामि। अद्य IIT खरग्पुरसंस्थाने यत्र वयं सर्वे स्मः, अहं कन्नडदेशीयः, अन्यः कश्चित् तेलुगुदेशीयः, अन्यः महाराष्ट्रः, अन्यः बङ्गालदेशीयः, एवञ्च अस्माकं प्रान्तभाषाः भिन्नाः सन्ति, मातृभाषाः भिन्नाः सन्ति। यथा कन्नडिगः कश्चित् कन्नडं न जानाति, तमिळुजनः तमिळु न जानाति, परन्तु तमिळुजनः, महाराष्ट्रीयः परन्तु महाराष्ट्रभाषां न जानाति, गुजरातीयः परन्तु गुजरातीं न जानाति, बङ्गदेशीयः बङ्गलां न जानाति इति हास्यास्पदं भवति। एवमेव भारतीयः भारतीं न जानाति इति तु हास्यास्पदं भवति। तमिळुदेशीयानां भाषा तमिळुभाषा यथा भवति, महाराष्ट्राणां भाषा महाराष्ट्री भवति, तथा भारतीयानां भाषा भारती। संस्कृतस्य अत्यन्तं प्राचीनं नाम भारती इति। बहुत लोगों को ये पता नहीं है, संस्कृत का अत्यंत प्राचीन व्यवहारिक नाम है वो भारती, क्योंकि सभी भारतीयों की एकमात्र भाषा जो सबकी आज जो रक्षाबंधन है, तो आज हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और रक्षाबंधन भी कर रहे हैं। यदि आजादी बाहर से आजादी नहीं रहेगी तो हमारा बंधन हो जाएगा। बाहर से बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से तो बंधन होना चाहिए। तो अंदर के हमारी सभी अन्यान्य भारत के प्रांतों के बंधन के लिए जो सूत्र है, रक्षाबंधन है, हमारी रक्षा के, भारतीयों की भारतीयता की रक्षा और संस्कृति की रक्षा, ज्ञान की रक्षा करने वाली एक सूत्र भाषा बंधन, जो हम सबको जोड़ता है, हम सबको बंधन करता है, वह रक्षाबंधन है, संस्कृत है। आज संस्कृत नहीं है, हम भारतीय कैसे रहेंगे किसी को पता नहीं। तो इस दृष्टि से स्वातंत्र्योत्सव अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो वास्तविक रूप से मैं और एक जोड़ना चाहता हूँ संस्कृत के बारे में। एक कैसे तो भी एक अपप्रथा आई है, वह अपप्रथा है कि ये संस्कृत मृत भाषा है। ये लोगों की धारणा है, मतलब हमने सिखाया,
क्योंकि हमने हमारी कक्षाओं में रामहा रामो रामहा ये रूप सिखाए हैं, कहीं वाक्य नहीं सिखाए, एक वाक्य भी नहीं सिखाया, केवल रूप को सिखाया। तो लोग बच्चों को ये बताया कि देखो ये भाषा इसमें बोल नहीं सकते, इसमें कुछ नहीं है, ये इसमें आप केवल सीख सकते हैं, मतलब आप केवल पढ़ सकते हैं, ये लिखित भाषा है, ये पढ़ने के लिए योग्य होता है, इसको आप छेद छेद करके पढ़ो, रूप सिद्धि करो। कभी भी उस भाषा में वाक्य रचना के लिए हमने लोगों बच्चों को बताया नहीं। तो ये वाक्य रचना की जा सकती, ये भी पता नहीं होता है जब तक वो डिग्री भी पास कर सकते हैं, कर लेते हैं, एक वाक्य भी रचना नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति संस्कृत के लिए जो हमने खुद किया है, मतलब ये हमारी देन है, ये किसी और का देन नहीं है। चाहे वो अंग्रेजी आए, जो भी आए, तो अपनी भाषा सिखाया उन्होंने, लेकिन हमारी भाषा को भूलने के लिए उन्होंने नहीं बताया था, हमने भूल गया। तो आज इससे बाहर आने के लिए, एक आजादी प्राप्त करने के लिए, ये अमृत महोत्सव के काल में, अमृत वर्ष काल में हमें संकल्प करना चाहिए। कम से कम हमारे भूल से, जो हमने अपने आप को बाहरी बंधन से, बाहरी बंधन के मतलब पात्र बनाया, उससे बाहर आना के लिए, तो वैचारिक आजादी के लिए जो हमारी स्वतंत्रता चाहिए, वो स्वतंत्रता संस्कृत से मिलेगा। तो वो अमृत भाषा के बिना अमृत वर्षोत्सव नहीं मना सकते। आज भारत के अमृत वर्ष यदि मनाना है, अमृतोत्सव मनाना है, तो अमृत भाषा के बिना नहीं मना सकते। संस्कृत अमृत भाषा है, क्योंकि आज जितने भी हमारी भाषाएं, द लैंग्वेजेस, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, आई डोंट क्लेम दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ, द बायोलॉजिकल मदर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। सो देयर इज ए पीपल मे हैव डिफरेंट आर्गुमेंटेशन फॉर दैट। तमिल एंड कन्नड़ा में दे मे बी जनरेटेड, देर आर सो मेनी आर्गुमेंटेशन, आई डोंट गेट इन टू दैट, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट। द इशू इज संस्कृत इज मदर इन द सेंस दैट it is a poshika. Sanskrit always nurtured, always nourished the other languages. Dekhe, life ka matlab kya hota? Something is living means it has some response, action and reaction, then it said it is living. Itna hi nahi hai, keval pratispandra matra se, kriya matra se kisi ko hum living nahi keh sakte. तो आप साइंटिस्ट हैं, पता है, तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जिसमें है वो लिविंग है। तो एक रिप्रोडक्टिविटी का कैपेसिटी जो होती है वो संस्कृत को छोड़कर किसी भाषा में नहीं है। आप आज भी भारतीय भाषाओं को यदि जीवन देने वाली भाषा है वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत धातु यदि हम भूल जाएंगे तो भारतीय भाषाओं में भी एक पद सृष्टि भी नहीं होगी। यदि किसी भाषा में, भारतीय भाषाओं में नई पदावली की रचना करनी है तो अवश्य संस्कृत मूल धातुओं का ज्ञान, उसका प्रकृति व्यवस्था और प्रकृति प्रत्ययों की जोड़ने की व्यवस्था, जितने भी पाणिनि ने बताया है, उस व्यवस्था के बिना हम नहीं कर सकते। इसलिए द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर डिपेंडेंट ऑन द रूट्स ऑफ संस्कृत एंड द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन करने के लिए जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म आइडिया जो संस्कृत से आता है। So with these two, the syntax as well as the words, both are given by the power of production is given by Sanskrit. So isliye Sanskrit mother hai. Okay, let us leave the past. So in that sense, Sanskrit is amrita. It is deathless. As long as our Indian languages are living, I consider Sanskrit is living. The day Sanskrit is dead, that day all Indian languages will die. You have to consider they are going to die. So if we want our own mother tongues, mother languages must be living forever, we must consider that Sanskrit should be living. Amrita bhashaam vina etesham etasam bhashaanam jeevanam nasti. The second point, the innumerable ideas that are available in Sanskrit literature. So that connects us to the future. Sanskrit for future. Hamesha main claim karta hu, Sanskrit ko aap bhoot se mat jodiye.
भारतीय पुरातन इतिहास से संस्कृत को जोड़ना एक भूल है। मतलब हम नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि संस्कृत इतिहास से नहीं जुड़ता है, अवश्य संस्कृत इज ए लैंग्वेज दैट कनेक्ट्स अस टू इंडिया इट्स पास्ट बट नॉट ओनली टू द पास्ट बट टू द फ्यूचर बिकॉज वी आर टूडे द एस्पिरेशन टू डेवलप ए कंट्री विच हैज गॉट ए ग्रेट फ्यूचर। ये यदि बनाना है तो अवश्य हमें फ्यूचरिस्टिक आइडिया से जुड़ना है। तो संस्कृत लिटरेचर में, चाहे वो साइंटिफिक लिटरेचर हो, चाहे वो क्रिएटिव लिटरेचर हो, चाहे वो एनी डिसिप्लिन लाइक पाणिनी, छंदस, यास्क, एनी डिसिप्लिन यू टेक, देर आर अबाउट 6,000 डिफरेंट स्मॉल स्मॉल डिसिप्लिन्स। मैं केवल अष्टादश विद्यास्थान के लिए नहीं कह रहा हूँ, षष्ठी चतुष्षष्ठी कला के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मोर देन 600 वेराइटीज ऑफ डिसिप्लिन्स आर एनलिस्टेड विद इन संस्कृत। तो यदि भारतीय विद्या से हमें जुड़ना है, हमारी विद्या से जुड़ना है, तो संस्कृत इज द की। क्योंकि यहाँ हम जब इस पे आइडियाज जितने भी उपलब्ध है, फॉरगॉटन आइडियाज, द आइडियाज दैट आर फॉरगॉटन, उससे यदि कनेक्ट करेंगे, एज डीप एज यू एक्सप्लोर संस्कृत, यू विल कनेक्ट विद द फ्यूचर दैट फॉर यूर सेल्फ एंड फ्यूचर फॉर अदर्स एंड फ्यूचर फॉर द कंट्री। ये मेरा केवल क्लेम नहीं है, इट इज माय एक्सपीरियंस, एंड ईच टाइम व्हेन आई ट्राई टू एड्रेस द यंग जनरेशन, सो आई फील माय सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट एंड दे आल्सो फील गुड टू इंटरेक्ट विद मी फॉर वन रीजन दैट द आइडियाज दैट आई एलोबरेट फ्रॉम माय ओन लिटरेचर दे आर वेरी न्यू टू देम, सो दे से वाओ गुड नाइस because it is, they can see their future there. So this is how Sanskrit is relevant. And the thirdly, freshness. The novelty is experienced in the buds, sprout shoots, flowerlets, which is possible only with the original seed. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी देश में यदि innovation हुआ है तो innovation is possible only on the tradition. जिस देश में ट्रेडिशन को भूला है, जिस देश ने ट्रेडिशन को नाश कर दिया है, उस देश में कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। तो आज भारत में, आज भी भारतीय बाहर जाके, आज भारत में भी यदि इनोवेशन कर रहे हैं, चाहे आप उसको जुगाड़ मान लीजिए, क्योंकि हमारा जो भी है उसको हम जुगाड़ ही मान सकते हैं, तो जो भी हो वो सारे इनोवेशन आर पॉसिबल विद द ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन को हमने भूल गए तो बीज रक्षा नहीं किया। आज रक्षाबंधन है, बीज रक्षा करनी है, यदि बीज का रक्षा नहीं किया कृषि नहीं कर सकते। तो इनोवेशन, नया नया इनोवेशन यदि करना है, तो आज हमारे डायरेक्टर साहब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें आइडियाज की जो बीज है, सीड है, वो संस्कृत में है, इतनी मात्रा में है, एक एक शब्द योग शास्त्र के एक शब्द से एक थ्योरी लिखने के लिए एक आइडिया मिलता है। तो इसमें एक भी मैं अतिशयोक्ति नहीं बता रहा हूँ, आप जाइए, हमारे आज के जितने भी बड़े बड़े योग गुरु बन गए हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो या ईशा फाउंडेशन, एक शब्द से वो पूरे दुनिया बना देते हैं, केवल एक शब्द से। यदि उन एक शब्द से इंस्पिरेशन मिलकर एक संस्था बन रही है, रामदेव जी की बहुत बड़ा साम्राज्य बन रहा है, तो देखिए कितनी संपत्ति हमारे में है। तो इतनी संपत्ति रख कर हम भीख मांग रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। तो हमें इस सीड को रक्षा करनी है, आगे कृषि करनी है। ऑल सेस दैट संस्कृत, मैं और एक पॉइंट बताना चाहता हूं, संस्कृत एक रूट है, ठीक है, वो तो है, दैट इज देयर, बट एट द सेम टाइम फॉर मी संस्कृत इज द गोल फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस। व्हाई? ये लक्ष्य भाषा है, क्योंकि जैसे जैसे मेरे कन्नड़ या मेरे अंग्रेजी, मेरे हिंदी, जो भी भाषा में रिफाइन होता जाता है, तो एक दिन संस्कृत बन जाता है। हर एक भाषा को एक दिन संस्कृत बनना है। आज मतलब मैं क्या कह रहा हूं, यदि
सभी सारे नदियां जाके जैसे सागर में एक बन जाते हैं, वैसे संस्कृत में सभी जाकर एक दिन एक बनने वाले हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे रिफाइंड बनते जाते हैं वो अल्टीमेटली दे बिकम वन विद संस्कृत एंड दे बिकम संस्कृत. तो फॉर ऑल अदर लैंग्वेजेस संस्कृत इज द गोल, संस्कृत इज द अल्टीमेट गोल टू रीच. ये भाव हमें जगाना है हमारे समाज, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि हमको ये नहीं सोचना कि संस्कृत पढ़ो अपनी मातृभाषा को भूल जाओ. नो, संस्कृत को पढ़ो और अपनी मातृभाषा को रिफाइन करते जाओ. ये हमारे हमको सिखाना है. तो आई नेवर से दैट यू डोंट लर्न एनी अदर लैंग्वेजेस, डोंट लर्न इंग्लिश. यस, वी नीड इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू रिफाइन माई लैंग्वेज, नॉट ओनली एक्सटर्नल लैंग्वेज, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, बट आई वॉन्ट टू रिफाइन माई इंटरनल वॉक. जो वाक जो है, वाक शक्ति बोलते हैं इसको, वाक योग बोलते हैं. जैसे जैसे मैं इनर वॉइस को रिफाइन करता जाता हूं तो एक तो संस्कृत बन जाता है. तो संस्कृत इज नेचुरल फिनोमिना ऑफ ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी. तो इसको हम इस रूप से हमें संस्कृत को, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑलवेज वी आर कीपिंग संस्कृत एज ए पैरेलल विद अदर लैंग्वेजेस, नेवर. इसलिए मैं अलग कर रहा हूं संस्कृत को. इट इज वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, नहीं है, गलत है. इट इज नॉट वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस. इट इज आइदर द गोल फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस और इट इज ए नर्चरिंग लैंग्वेज फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस. ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास समय चाहिए. दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू प्रोजेक्ट, दिस इज वॉट संस्कृत इज. ये बात बताने के लिए हमारे पास स्पेस चाहिए. दैट स्पेस इज टू बी क्रिएटेड बाई द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन. सो इफ यू डोंट क्रिएट दैट स्पेस, संस्कृत को, ऐसे किसी ने मुझे पूछा, सर संस्कृत धीरे धीरे घटता जा रहा है. जैसे संस्कृत को क्या किया अनिल सहस्रबुद्धे सर, ब्रिटिशों ने क्या किया, संस्कृत के अलग संस्थान बना दिए. मतलब ठीक है, लेट इट बी ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन. इवन इंडियन गवर्नमेंट्स आर मेकिंग सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर संस्कृत. After 20 years of service within the Sanskrit fraternity, I personally feel that just don't do that. We want Sanskrit should be in mainstream education. It should be connected with others. जैसे जैसे संस्कृत को बाजू में रखेंगे, अल्टरनेटिव एजुकेशन में साइड में रखेंगे, तो क्या होने वाला है, इससे संस्कृत का तो नाश, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. तो किसी ने मुझसे पूछा संस्कृत ऐसे घट रहा है तो आपकी रिएक्शन क्या है. मैं बोला उनसे, पत्रकार से मैं उनसे पूछा, तो ये आपको चिंता करनी है, संस्कृत के बारे में मुझे चिंता नहीं है, ये भारत के बारे में चिंता है. मेरी चिंता संस्कृत के बारे में नहीं है. तो संस्कृत ऐसे देववाणी है तो ठीक है, आज नहीं है तो कल वो अमृतवाणी है तो रहेगा, लेकिन क्या भारत संस्कृत के बिना रह सकता है, ये प्रश्न है. यदि हम भारत को बनाने जा रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं, भारत को पुनर्निर्माण कर रहे हैं, संस्कृत के बिना हो सकता है क्या, ये प्रश्न हमारे युवकों के सामने रखना चाहिए. तो मैं एक दो बात आईकेएस को लेकर मैं करना चाहता हूँ. अनिल सहस्रबुद्धे जी यहाँ जिन्होंने नेतृत्व लिया है, बहुत ठीक जगह से नेतृत्व हुआ है. सर, देयर वाज अ डिस्कशन व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत स्टडीज was to be established in the University of Hyderabad, there was a great discussion whether it should be part of the science faculty or it should be part of language or humanities. So ultimately humanities people won the debate and they took it. Anyway, it happens. But the problem is this, because Sanskrit, people considered that Sanskrit is a language. Yes, Sanskrit is a language too. हमको समझना चाहिए, ये लैंग्वेज भी है लेकिन लैंग्वेज ही नहीं है. बाकी सब लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी है. ये क्या हुआ, संस्कृत स्टडीज जब मानते हैं तो संस्कृत लैंग्वेज भी है और उससे ज्यादा कुछ है उसमें. ये भाव जो है, जब सर मैथमेटिक्स वॉज स्टार्ट एज पार्ट ऑफ आर्ट फैकल्टी, देयरफॉर इट एमए मैथमेटिक्स वॉज अवार्डेड एंड सम टाइम बैक MA logic was given, MA logic was awarded, MA logic degree in postgraduate degree, logic was awarded in the humanities. Slowly you can see even psychology, there was no MSc psychology, people used to have MA psychology. Okay? Slowly these subjects,
moved to science faculty. You can see the difference when psychology, mathematics, logic that have been shifted to science and technology, they got revival. Similar, Sanskrit has to see its place in science and technology, that work you have done. So great, namaskaram to you. You have taken a great initiative to keep this with nearer to Sanskrit and science and technology, so that the appreciation for Sanskrit from literary fraternity is always available. It is nobody has denied it. But at the same time, appreciation from the science fraternity and technological fraternity is great push for Sanskrit. This is what the need of the hour. आपने इसको कर दिया है. तो new education policy से पहले तो उसकी भूमिका में आपका ये योगदान है. वो हमेशा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के पूरे काल में ये समर्थन रहेगा, ये मेरा अनुभव है. सो विद दिस रिगार्ड आई जस्ट वांट टू शेयर सम ऑफ माय थॉट्स. मोस्ट क्रूशियल फीचर ऑफ संस्कृत इज द की फॉर आईकेएस रिपोर्टिंग. लेट अस कॉल इट आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन. इंडियन नॉलेज एज आई सेड we should not claim that Sanskrit is the only repository. No, because Indian knowledge is spread. Indian knowledge is available in practice. Indian knowledge is available in belief sets, in words, in works, in faiths, in perceptions, in cultures, in our languages. But it is codified. It is codified with the Sanskrit terms. That is very, you can go to any Indian languages, knowledge is available, but codification is done only with Sanskrit roots. If you cannot open it, if you are unable to really unpack it, we cannot see the knowledge. Therefore, Sanskrit is very, very essential in all these aspects. It is codified. In order to decode, we need this key, Sanskrit. One who understands Sanskrit perceives something different from a different form of India. This is my own experience. This fact is now understood. National education policy keeps IKS along with Sanskrit. Sanskrit ko chhodkar Bharatiya vidyanon ko Bharatiya vidyaon ko dekhne ki sambhavana nahi hai. ये बात आई है अभिनव शिक्षा नीति में. और एक बात तो जोड़ना चाहता हूं मैं, यदि हम संस्कृत को भारतीय मूल विद्या स्थान जितने भी है वो संस्कृत मूल है, संस्कृत में ही है, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं. मेरा वचन बहुत क्रुशियल है, मतलब मैंने जो बता रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इट शुड बी टेकन इन स्पिरिट. इट इज संस्कृत मूल. आज जितने भी संस्कृत विद्याएं हैं, भारतीय विद्याएं हैं, वो संस्कृत से बहुत दूर चलते गए हैं. सो दे आर स्लोली डिसोसिएटेड फ्रॉम द रूट, इट्स रूट. सो नाउ योग विद्या इज इन द स्काई. योग विद्या इज इन द स्काई, एवरीबडी अप्रिशिएट्स. बट योग विद्या स्लोली एक 10 साल के बाद मुझे लगता है कि वो कटिपतन बन जाएगा. यदि संस्कृत मूल से उसका बंधन नहीं कर सकते, रक्षाबंधन आज होना चाहिए, योग विद्या का रक्षाबंधन यदि नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं एक 10 साल के बाद इसका परिणाम होगा कि एक कटी पतंग बन जाएगा. एक कटी पतंग बन जाएगा, धीरे धीरे नीचे उतरेगा वो. तो यदि योग विद्या को रक्षा करनी है तो मेरा निवेदन ये होगा, संस्कृत से उसको रक्षाबंधन करना चाहिए, न केवल योग विद्या. आज जितने आयुर्वेद में वो दिखाई दिया है, तो मेरे से सभी आयुर्वेद मित्र, मुझे मेरा विश्वास है कि दे विल एग्री विद मी दैट आयुर्वेदा हैज सीन अ ग्रेट गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड शास्त्र एंड प्रयोग. जो गैप आया है वो भाषा के कारण आया है. जो प्रयोग करते हैं उनकी भाषा परिचय नहीं है, जो शास्त्र में है उनका प्रयोग परिचय नहीं है. तो प्रयोग और शास्त्र में जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस में जो अंतर आया है, उससे आज आयुर्वेद जो भी है वो डिस्टॉर्टेड आयुर्वेद है. मेरे ख्याल से डिस्टॉर्टेड आयुर्वेद, ये डिस्टॉर्टेड, क्योंकि वो धीरे धीरे वो कहां जा रहा है, एलोपैथी के ओर जा रहा है. तो इट इज एलोपैथाइज्ड आयुर्वेद. सो एलोपैथाइज्ड आयुर्वेद को हम मान रहे हैं,
तो आज हमें यदि धीरे धीरे मूल आयुर्वेद से जोड़ना है तो एक पीछे नहीं जाना है, तो हमें इस प्रयोग और शास्त्र के बीच में जो जो वो टेंशन होना चाहिए वो टेंशन होना चाहिए, वो टेंशन आज टूट गया है। मैं क्या बता रहा हूँ, टेंशन होना चाहिए, वो इतना खिंचावट होना चाहिए, वो टेंशन कम होगा, गैप बन गया, वो गैप बन गया तो उन शास्त्र भी नहीं बढ़ेगा और प्रयोग भी नहीं बढ़ेगा। सो दिस हैज सीन ऑलरेडी इन द आयुर्वेद सिस्टम। द सिमिलरली वी कैन सी डॉक्टर उद्धम नरसिम्हा हैज रिटन ए वंडरफुल बुक ऑन दिस, हाउ इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग हैव बीन सेपरेटेड। So, इसका आज क्या हुआ है वो परिणाम हम देख रहे हैं। तो इसको जोड़ने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो दिस मीन्स दैट संस्कृत का जो प्रयोग है वो, मैं इसका एक रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन दिखाना चाहता हूं। लैंग्वेज फॉर्म इन कन्वर्सेशन इज द बिगिनिंग, ओके। द फोर, देर आर सेवन स्टेप्स फॉर रिवाइवल ऑफ इंडियन इंडिक विजडम। आज इंडिक विजडम जो है इट हैज बिकम पैसिव, नो एक्टिव रोल इन द लाइफ। इंडिक विजडम का एक्टिव रोल नहीं है लाइफ में। मुझे यदि देखना है, कैन आई एक्सप्लेन एनीथिंग इन माई लाइफ विथ माई ओन परसेप्शन ऑफ न्याय, इफ आई एम एबल टू डू सो देन माई इंडिक विजडम इज वर्किंग, इट इज इन एक्टिव मोड। माई इफ आई एम अनेबल टू सी द कैटेगरीज ऑफ इंडियन विजडम इन माई लाइफ, दैट मीन्स दैट इंडियन wisdom is missing, it is just in passive mode. हम उसका स्टडी कर रहे हैं as part of history, वो history के part बन गया है, तो उसको active mode में लेके आने के लिए कितना step है, मैंने उसको calculate किया है, this is 8 steps are very much important, just I want to place before you, because you are taking a great initiative, but while taking initiative, you should ensure these steps are followed. If mathematics में जैसे एक स्टेप भी भूल गया तो उसका मतलब उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, वैसे ही यहाँ ये स्टेप्स भूलना नहीं चाहिए। What are those steps? First is language form in conversation. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज जब भाषा के रूप में नहीं रहता है उस पर सोच नहीं सकते हम। आज मैं कन्नड़ में सोचूंगा, इंग्लिश में सोचूंगा, इंग्लिश मराठी में सोचूंगा, क्योंकि वो भाषा के रूप में मेरे टंग में है, तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इसलिए मैं सोच भी सकता हूँ। तो जिस भाषा में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस भाषा में सोच नहीं सकते। तो सोच यदि बदलना है तो हमें एक्सप्रेशन को पहले यहां लेके आना है। जो व्यवहार में है वो हमारे विचार में रहेगा। तो ये व्यवहार और विचार का जो भाग है उसको भूलना नहीं चाहिए। मतलब व्हाई संस्कृत इज रिक्वायर्ड इन स्पीच, इवन इफ यू डोंट नो स्पीक संस्कृत, वी कांट स्पीक इन संस्कृत, व्हाट हैपेंस? So I can explain the same idea in English. This is what we have done last 75 years. We have failed. We have failed. Then we have to experiment other things also, other part also. So first part is language reformation form in the conversation. And the second part is literary creation. When I'm able to express, I should be able to express, create literature. Second step back. Then I can decode shastric learning. This is third step. I'll be able to decode and code and decode. So a code and decode का जब आप जो degree का undergraduate program में code and decode सिखाते हैं, ये सिखाने के बाद उसका express कर सकते हैं। So similarly code करना, decode करना मुझे आना चाहिए। Unless and until I am able to do so, I cannot say that I am understanding shastric learning. The fourth step is bringing the shastric categories into my vyavahar. It's very important. Today, I am not able to, there are so many, for example, one category that we revived in IITs, in language technology, that is karta, karana, karma, people are now started using it. No? Earlier, people never understood what is karta, what is karana, what is karma. Now, people are able to identify these categories within the syntax structures. That means we could revive the categories that Panini has given to us. These categories serve our next step. So reviving the categories, Indian categories. For example, Dravya Guna Karma Samanya Vishesh Samaya Bhava. Yoga ke jitne chitta vritti hai,
योग के चित्त वृत्ति को हमें बताना चाहिए, इस कैटेगरी को वर्ड के साथ टर्म्स के साथ व्यवहार में लेके आना चाहिए. इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई माई चित्त वृत्ति विथ ए पर्टिकुलर टर्म देन आई एम एबल टू यूज इट. मुझे जैसे डॉक्टर के पास जाके मुझे सर मेरा भाव ये हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, मेरे भय लग रहा है, कैन आई एक्सप्रेस द सेम थिंग विथ दीज कैटेगरीज, योगिक कैटेगरीज, देन डॉक्टर कैन गिव ए गुड बेटर सोल्यूशन. सो एक कैटेगरी को हमें हमारे एक्सप्रेशन में लेके आना चाहिए, यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी. एंड देन इट लीव सम इम्प्रेशन इन अवर माइंड. जो शास्त्रिक इम्प्रेशन जो है कैटेगरीज का, जैसा हम टर्म उसको करना शुरू होते हैं, हमारे माइंड में एक मैपिंग बनना शुरू हो जाएगा. दैट मैपिंग विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, दैट इम्प्रेशन क्रिएट्स ए वर्ल्ड व्यू इन अवर माइंड. दिस वर्ल्ड व्यू ए नया वर्ल्ड व्यू होगा. जो वर्ल्ड व्यू हम क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हमारे छात्रों के मन में एक ऐसा वर्ल्ड व्यू क्रिएट करना चाहिए जो इंडियन के कैटेगरीज है और उसका टर्म्स है, इसलिए वो व्यवहार करना पड़ेगा, वो नया वर्ल्ड व्यू बनेगा. सो दीज कैटेगरीज विल बिल्ड ए वर्ल्ड व्यू इन माइंड एंड देन पीपल स्टार्ट परसीविंग द वर्ल्ड विद दैट वर्ल्ड व्यू. दिस शास्त्रिक परसेप्शन विल हैपन. I don't see, if I see computer, I will see from my own perception. एक वेदांती को दिखाइए, उनका वर्ल्ड को देखने का तरीका अलग होता है, योगी का वर्ल्ड को देखने का तरीका अलग होता है. तो ऐसे जैसे वर्ल्ड व्यू बदल जाएगा तब भारत बदलेगा. तो आज भारत बदला नहीं है क्योंकि हमारे हम गॉगल जाके बैठ गए हैं, तो हमारा इतना गॉगल है तो उस कलर से हम देखेंगे, हमारा वर्ल्ड व्यू बदल गया है. तो इंडिक वे ऑफ थिंकिंग शुरू हो जाएगा. नेचुरल इंडिक वे ऑफ थिंकिंग एक्टिव, जब मैं इंडिक को एक्टिव बनाना है तो वो अंदर जो है हमारा थिंकिंग वे चेंज हो जाए. जैसे वर्ड व्यू बदलेगा, जैसे वर्ड थिंकिंग, क्योंकि जैसे इनपुट मिलेगा वैसे थिंकिंग, मेरा थिंकिंग चेंज हो जाएगा. दिस इज पॉसिबल ओनली विद द लैंग्वेज एक्टिवेशन करने से. लैंग्वेज को एक्टिवेशन नहीं करेंगे, ए थिंकिंग इंडिक वे ऑफ थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल. एंड उससे आत्मनिर्भर भारत पॉसिबल होगा ओनली विद दिस. सो दीज सेवन स्टेप्स मैं आपसे, जो वेरी लॉजिकल स्टेप्स मैं आपके सामने रखा हूँ, ये मेरे ओर से नहीं रखा हूँ. दिस इज वॉट महाभाष्यकार सेज इन हिज महाभाष्य. पतंजलि हैज सेड दिस एंड भर्तृहरि एक्सप्लेन दिस वर्ड हाउ यू कैन क्रिएट शब्द से अर्थ को कैसे क्रिएट करना, सारा प्रपंच कैसे शब्दात्मक है. उन्होंने इस रूप से उन्होंने लॉजिकल वे बताया. सो टुडे इफ एट ऑल वी वांट टू क्रिएट इन इंडिया विद ए डिफरेंट इंडिक वे ऑफ थिंकिंग, देन वी हैव टू रिवाइव द कैटेगरीज, वी हैव टू ब्रिंग द टर्म्स, वी हैव टू ब्रिंग बैक द लैंग्वेज. विदाउट लैंग्वेज वी कैनॉट रिवाइव इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. सो मैं आज इन विषयों को आपके सामने रखने के लिए जो प्रयास किया है संस्कृत महोत्सव के संदर्भ में, दिस वीक इटसेल्फ इज ए स्पेशल वीक फॉर अस. लेकिन इस वीक को हमको स्ट्रेंथ बनाने के लिए यूज करना चाहिए. तो हम वीक बनाना नहीं है, तो वीक कैसे बनाएंगे हम, वीक को वीक बनाएंगे हम, क्योंकि क्यों वीक कैसे वीक हो जाएंगे हम. इसको हम छोटे से फ्रेटर्निटी में रखेंगे, हम वही बातें करेंगे जो बातें लोग सुन सुनकर थक गए हैं. तो हमारा संस्कृत डॉक्यूमेंट में एक शब्द एक है, ए टेम्पल से उसको लैब में लेके आना है. तो वेद मंत्र में वैसे तो होना चाहिए वो संस्कृत को फ्रॉम टेम्पल टू लैब. ये जो बात है, ये शिफ्टिंग की बात जो है, ये शिफ्ट हो गया तो पूरा भारत बदल जाएगा. तो इन्हीं शब्दों से मैं आज संस्कृत सप्ताह के संदर्भ में, आपने जो ऑर्गेनाइज किया है लेक्चर सीरीज, इट वॉज रियली फैंटास्टिक लेक्चर सीरीज. आई हैव सीन टू गेट द न्यू कॉन्टेक्चुअलाइजेशन फॉर IKS, योगा, व्याकरण एंड नेचुरल साइंस, एंड दीज डिसिप्लिन्स आर स्लोली गेटिंग डिसोसिएटेड फ्रॉम द संस्कृत. इफ इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग दे लूज देयर स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस. वी नीड टू रीबाइंड देम विद द रूट संस्कृत. ये रक्षाबंधन करना है हमें, क्योंकि ये संस्कृत के लिए नहीं अपितु ये सारे भारत के विद्याओं के लिए, ये भारत की विद्याओं की रक्षा करनी है तो संस्कृत से उसका बंधन करना है. इन्हीं शब्दों से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. वयं तत्र विस्मिताः स्मः.
भवतां वचनानि श्रुत्वा just wanted to say that you've placed so many important points today. I mean, just so many important things that we can take away from you. And having dealt in Sanskrit myself a little bit compared to what all of you have done, but it is just so evident what you said, that the Bharatiya Drishtikona, the world view, is totally embedded in the Sanskrit word and the Sanskrit form. And there is the samskritization of the being just with the very interaction with this language. With your kind permission, I know we are like well out of time, but just I'd like to share that just today I was trying to, because I try and teach whoever comes in my vicinity some Sanskrit. So the lady who works at my place, both of them, there's a man and a woman, they work at my place. So I've enthused them to start the Sanskrit studies. And one thing that she remarked herself, not just her, even in Pondicherry, my mate there, one thing that she remarked, both of them remarked, is that when they're trying to pronounce Sanskrit words, that they're not at all familiar with in any, you know, in terms of the precision of it, they said the very fact of trying to make those sounds clearly enlightens the mind, because every single utterance has to be a conscious one. The breath is conscious. What you were saying basically, that sarvam api tatra sachetanam asti. The chitta becomes conscious with the use of this language. So it's much more than a language. And I just like to add one last thing, where Sri Aurobindo says that the recovery of the perfect truth of the Vedas is not just a desideratum of modern intellectual curiosity, but a practical necessity for the future of human race. So there is just so much of this Bharatiya Drishtikona that can allow the world to be sustainable and to live in this common bandhana, this oneness it can bind. So Bahu Dhanyavada, I know that I've taken full advantage of this Rakhi Day and invited you and Anilji also to be part of this event. And you have both honored my request, and I'm extremely, extremely grateful to that. Grateful for that. I would just like to mention at the end that when I was reading out your biodata, your profile, I left out a lot because of also in the interest of time. But I think the little bit that you have enlightened us with and the passion with which you have done it, we look forward eagerly to having your continued association and your guidance in the way that we will develop. And at least personally, I would love to learn more about how to bring Sanskrit at the center stage of our Atmanirbharata and make it into Atma Bharata. That is what I think we can go towards. We'll then achieve a Purna Siddhi. I mean, every word is so rich. Every word is such a joy. Satyam. Bahu Dhanyavadaha. So at Kharagpur itself, I would like to mention that we are wanting to start a Sanskriti club for our students. There are many students who are deeply motivated to come in touch with their own heritage and also through the Sanskrit language as a medium. So we will be starting the Sanskriti club. We sincerely hope to offer courses as part of the Center of Indian Knowledge Systems, with the blessings of all the Jyeshthas and of Professor Joycean and the director, sir, and with the help of the volunteer team and also of other faculty members, colleague faculty members like Professor Anvay Mukhopadhyay from the Humanities Department. We sincerely hope to take this forward. And with these few words, I hand it back to Anvay to then continue, Professor Anvay Mukhopadhyay, to continue the session. Thank you. Bahut dhanyavada. Srinivasa sir. Now we would request Professor Somesh Kumar sir, who is advisor of the Center of Excellence for Indian Knowledge Systems, IIT Kharagpur, to deliver the vote of thanks. Professor Kumar is a mathematician, a renowned mathematician, but he is also deeply interested in the Indian knowledge systems, and he has been a great support for the center. Sir, over to you. Thank you, Anvay. This is actually a momentous occasion. I mean, to have a Sanskrit week. So we all know that Sanskrit Divas, Vishwa Sanskrit Divas, jo hai Shravan Maas ki Purnima ko manaya jata hai. Aur us week ko, us saptah ko hum log Sanskrit saptah kehte hain. लेकिन एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, एक आईआईटी जैसे जो हमारा मतलब देश के लिए सबसे
बड़े इंस्टीट्यूशंस में है, सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस में है, वहाँ पे अगर ये संस्कृत सप्ताह और मनाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके लिए मैं इस कार्यक्रम में जितने भी लोग सम्मिलित हुए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और संस्कृत के बारे में बहुत सारी बातें अभी सभी माननीय लोगों ने कही हैं, जो सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो मैं एक सबसे प्रमुख बात बोलूँगा कि संस्कृत में एक जो चीज़ है गेयता, उसकी जो मेलोडियसनेस है, ये चीज़ जो है किसी और भाषा में नहीं है। आप सोचिए, अगर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में कोई जर्मन एक साहित्य पढ़ रहे हैं तो वो एक प्रोज में होगा, एक आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें समस्त ज्ञान जो है श्लोकों के रूप में लिखा हुआ है और जिसको आप गा सकते हैं, जो कि एक एकदम यूनिक चीज़ है जो किसी और भाषा या साहित्य में नहीं मिलता है। मुझे अभी भी याद है कि मैं संस्कृत पढ़ता था, क्लास 12 तक मैं पढ़ा हूँ, और हमारे जो क्लास 11 12 के जो अध्यापक थे वो गा के क्लास में पढ़ते थे, मतलब वो पूरा संस्कृत के श्लोक और संस्कृत में ही बात करते थे, वो इंसिस्ट करते थे कि आप संस्कृत में ही बात करें। तो उस समय हम लोगों की संस्कृत बहुत अच्छी हो गई थी, अभी 40-42 साल हो गए तो वो चीज़ें भूल गए हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुत सारे श्लोक हैं जो मुझे अभी भी याद हैं, मतलब जैसे येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ऐसे ही बहुत सारे श्लोक हैं। जैसे भारतवर्ष के बारे में है कि गायन्ति देवा किल गीतकानी धन्यासुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंत भूय पुरुषा सुरस्त्वात्। तो ये सब चीज़ें मुझे अभी इसलिए याद है क्योंकि हमारे जो अध्यापक थे वो गा के सुनाते थे और हम लोगों को पूरा वो दिमाग में बैठ गई। तो इसके बाद हम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में आ गए, टेक्निकल अपनी नॉलेज बढ़ाई और उसी में हम पूरी ज़िंदगी पढ़ाते पढ़ते पढ़ाते रहे, लेकिन मुझे अभी भी वो सारे श्लोक अभी भी याद हैं। तो ये एक चीज़ जो यूनिक चीज़ है जो संस्कृत में है, जो इसको सब भाषाओं से महत्वपूर्ण बनाती है। बाकी चीज़ें तो लोगों ने बताई हैं कि व्याकरण अच्छी है और ये मतलब मोस्ट साइंटिफिक ग्रामर है इसकी और ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसके बारे में बस खाली ये कहूँगा, जो शायद आपको पता होगा कि इसको हम कहते हैं कि ये भगवान की अपनी भाषा है, मतलब गॉड्स ओन लैंग्वेज, और उसके बारे में वही कहते हैं कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादि सुभाषितम। मतलब ये सभी भाषाओं में ये जो गॉड की अपनी ओर अपनी खुद की जो भाषा है उसको संस्कृत है मदर, ये सारी भाषाओं में, और ये सभी में दिव्य भाषा है और ये सबसे ज़्यादा गेय भाषा है। तो ये इसके बाद साथ ही मैं मेरा ये एक कर्तव्य है कि मैं सभी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए एक वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करूँगा। इसके लिए मैं थोड़ा इंग्लिश भाषा में आंग्ल भाषा का प्रयोग करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो है ये संस्कृत महोत्सव जो मनाया गया है, संस्कृत उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एट आईआईटी खड़गपुर इन कोलेबोरेशन विद द संस्कृत क्लब आईआईटी खड़गपुर एंड संस्कृत भारती एंड AICT। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे जी हु इज़ द चेयरमैन ऑफ AICT एंड ही हैज ऑफकोर्स एज ही मैंशन दैट ही केम जस्ट विद अ फ्यू आवर्स नोटिस ही हैज अटेंडेड टू इट्स प्रोग्राम but he is very enlightened person. I mean, he speaks from the heart and he speaks with a truth what we say, and he has also, of course, has been very supportive of our activities of Indian knowledge system at IIT Kharagpur, and I'm sure that we will continue to get his guidance and support in future also. So namaskar. Main iske baad main apne director sahab professor VK Tiwari ko unko jitna bhi dhanyawad diya jaye wo kam hai. वही ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के प्रोग्राम के बारे में उन्होंने हम लोगों को सबसे पहले पिछले साल जुलाई अगस्त में बोला था हमको और प्रोफेसर जॉय सेन को बुला के कि एक आप लोग इस तरीके का प्रोग्राम करिए, और उसके बाद हम लोगों ने भारत तीर्थ किया और उसी से ये जो सेंटर यू कैन से इट वाज द सीड फॉर द सेंटर। सो एंड ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक, विद इन शॉर्ट टाइम ही हैज़ प्रोवाइडेड अस द स्पेस, द फिजिकल स्पेस एंड ऑल्सो द सपोर्ट सिस्टम, and with that actually we are able to admit PhD students from the this semester itself. We have admitted PhD students and we have started the course which, as Professor Sen has mentioned, that it has attracted more than 400 students, which is a sort of record for a new course
which is an actually a course which is not there in like a curriculum of any of the branches, but it's still 400 plus students have taken. So that shows the interest of the community in such a thing. So it's a vision. Now I thank Sri Pujari ji, who is actually Akhil Bharatiya Mahamantri of the Sanskrit Bharati, who has kindly agreed to come here and tell many, many significant things which he has mentioned, that we will actually be following those things. And also what he mentioned, that we should not just say that, okay, one village, two village, but it should be popularized much more than that. And what better place than at technical institutions or the educational institutions. So I thank Pujari ji for joining us today. And of course, I thank Professor Varakhedi ji for his really, he has touched upon so many facets, and he gave this 8-point program that what one should follow. It is really inspiring, and I think we will all be looking forward to his further association with our center. And in future also, he will be continuing us to guide. Anuradha has enlisted very, very eminent speakers and panelists for the next 7 days. And I think we have to put a thanks for all of them. So the speakers, of course, you have seen the program. We have Professor Pawan Goyal from IIT Kharagpur itself. He's from the Department of Computer Science and Engineering. We have Dr. Jayaram Mahadevan, who is specializing in Yoga Shastra. We have Dr. P. Ram Manohar, who is from Amrita Vishwavidyapeetham. We have Dr. Vladimir Yatsenko, who is from Sri Aurobindo Integral Life Center, USA. We have Professor M.D. Srinivas from Center for Policy Studies. We have Dr. Nandita Krishna, who is from C.P. Ramaswamy Iyer Foundation. And we also have very, very eminent people for our panel discussion. So, of course, I think all of us have heard their names. Professor Satyavrat Shastri, who is actually the first Gyanpeeth awardee in Sanskrit, and he is Padma Bhushan, Padma Shri, and he has numerous number of awards and recognitions. Professor Subhash Kak, again a Padma Shri, he's a professor of computer science in Oklahoma State University and an Indologist. And we have Sri Chamu Krishna Shastri ji, he is a Padma Shri, and again he is from the Sanskrit Promotion Foundation. And of course, then we have our own alumnus, Professor Anil Kumar Gauri Shetty, who is from Sanskrit Club IIT Roorkee, and he is of course a professor in the Department of Physics at IIT Roorkee, and he is of course our alumnus. So I thank all the people who have joined this program, all the participants who have patiently listened to us for the last 2 hours, because without the audience, no program is considered as a program. The program success depends upon the participants. And I can see that chat box, that lot of chats are there. So people are actually very much interested and they are listening to that. And I thank Mr. S.S. Das as an entire team for providing the logistic and the network support to organize this program. Mr. Das and his entire team for all our programs in last 1.5 years, we have seen that they do it with full heart and with full devotion, so that there is no glitches, no technical problems are encountered. So I thank him and his entire team. Coming back to the organizing team, I of course thank Professor Desai ji. He is a friend and he is a proponent of traditional Indian knowledge and Sanskrit for a very long time. And at IIT Kharagpur, he is a key member of the IKS activities. And of course, we should acknowledge the efforts which have been made in the last 1.5 years by Professor Joy Sen. Since the time when our director has invited us for first discussion, he has taken wholeheartedly this activity. So not only initiation to basically sustain and to actually invent new things, so that actually the center has actually taken a shape now, and now people know. And of course, he is having a huge outreach program, like he is speaking to various conferences, many places, so that it has really brought IKS of IIT Kharagpur in the national as well as a global map. Like now we are receiving emails from various places,
like Stanford University program. So they are sending and informing us. So thanks to him. And let us thank Dr. Anuradha for organizing, for thinking about this program, conceptualizing, and really coming up with such an excellent list of speakers for the full 7 days. I mean, that is a really commendable. And of course, she is one of the key persons for our IKS activities for the last 4 or 5 years since the time she has joined here. We initiated with the History of Science and Technology in Ancient India course, and now it has come up to a fruitful thing that we are having IKS. Then I must thank Dr. Anvay Mukhopadhyay and Dr. Mrigang Sharad from the Department of Humanities and Rajendra Mishra School of Entrepreneurship for taking major responsibility in the organizing team. And of course, we should thank Sagnika Chakravarti for her beautiful and soulful rendition of the Saraswati Vandana. And this vote of thanks will not be complete without mentioning the names of all the student volunteers, Koena, Kuldeep, Atul, Mragendra, Ajay, Ashutosh, Piyush, Riya, Aparna, Akanksha, and Siddhant. Without them, this program would not have been possible. And if I have missed anybody's name, then it is unintentional. I mean, I might have missed just like that. So I thank each and everyone who is involved with this program. So with this, we come to an end of this program. Thank you. Thank you very much, Professor Somesh Kumar, for your kind words of gratitude to all those who have played a key role. Everybody has been a very important part of the success of just the inauguration itself. And I'd like to specially thank you also for having heard me that day patiently and guided me into how to run this event in a successful manner. So very grateful to you from the beginning for having been a full support for any suggestion, any activity that I have considered undertaking in the name of IKS. Thank you very much. So with these words, I think we could close the event. But like we start with a Mangala Charana, any activity in Sanskrit, we recognize, or rather the Bharatiya Darshana is the recognizes the fact that every event is allowed because there is always a grace and a sanction of something above. So if we just take credit for it at the human level and think that we have been able to successfully put this together, we would miss out on the larger reality of factors that enable any event to come to a successful beginning. It's not a close year, it's successful close come beginning. So one is, I'd like to invite all our participants and our esteemed guests of the day to please join us for the other talks that will be there and share your insights and enrich each one of those talks that will be presented by other very distinguished speakers. So please stay with us and continue to bless us to make sure that this initiative that we've taken bears full fruit, not just the seed, but we can see it up to the stage of good fruit and more things that come up from there. So we'd like to just end the session with a Shanti mantra. And it's a Shanti mantra that says, Om Sarve Bhavantu Sukhinaha. So we'll do that one together. But I'd just like to mention one thing very quickly at the end, is that this particular mantra, which is a wish for a well-being, so it says, Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, let nobody have any disease. Sarve Bhadrani Pashyantu, may everybody see the good. Ma Kashcha Dukkha Bhag Bhavet, let nobody have any sorrow. But this one also is a responsibility. Because if one just says, let everybody be happy, and we indulge in actions and speech and thoughts that are harmful for others, then we are not true in the words that we say. And satya being a very important quality of our culture, something that we should try as much as possible. So it's a Sarve Bhavantu Sukhinaha. So let me be happy as a responsibility. Sarve Santu Niramayaha. Let me have good health as a responsibility. In the times of COVID, we realize that more than ever before. Sarve Bhadrani Pashyantu. Let everybody see the good. But this would only be possible if every individual practiced the good. So since if we can practice the good, then around us people will be able to witness the good. Finally, Ma Kashcha Dukkha Bhag Bhavet. Let there not be any sorrow. Again, the responsibility is for each individual not to be the source of sorrow for anybody else. Om Shanti Shanti. So for these few words, I invite everybody to please join us in these words of
prayer and blessings. Sarve Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu कश्चित् दुःख भाग्भवेत् शान्ति शान्ति शान्तिः शान्तिः ॐ शान्तिरेति. So Shubha Ratri, and Punar Milama at 6:30 tomorrow for the talk on Sanskrit and Computational Linguistics by Professor Pavan Goel, who's from the Department of Computer Sciences at IIT Kharagpur. So look forward to seeing you all at that session tomorrow also. Namaste.